साथियों नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार के लेट्स टॉक कार्यक्रम में मैं खुशबू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो टाइम है ये लॉकडाउन का है और सभी अपने घरों में हैं। अब घरों में है तो सब बोर भी हो रहे होंगे और बहुत तरह की बातें लोगों के मन में चल रही होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों के मस्तिष्क में ये जरूर चल रहा होगा कि बच्चों की भविष्य का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, शिक्षक इसके लिए क्या कर रहे हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पर सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए क्या, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक जानकारी दे दूं कि टीचर्स ऑफ बिहार ने भी सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर 50 से भी ज्यादा शिक्षक एक्सपर्ट टीचर बच्चों का ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और ये क्लास कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो मिलेगा ये आपको टीचर्स ऑफ बिहार के एक ग्रुप है स्कूल ऑन मोबाइल SOM, स्कूल ऑन मोबाइल पे आपको ये लाइव कक्षाएं मिल जाएगी। और आपको टाइमिंग मैं बता देना चाहती हूँ, टाइम आपको है दोपहर 1 बजे से लेकर के संध्या 4 बजे तक। इस बीच में आप अपने विषय के अंतर्गत जो भी आपका विषय है आप उसकी लाइव कक्षाएं देख सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे शिक्षक, बहुत ऐसे शिक्षक है जो लाइव आ रहे हैं, वो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, फिर भी वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और आ करके ऑनलाइन अपना टाइम दे करके वो कक्षाएं ले रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप लाइव कक्षाएं जरूर देखें और SOM से जुड़े। तो साथियों बात तो हो गई यहाँ पे SOM की, लाइव कक्षाएं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाएंगे? बच्चे आखिर कितना देर पढ़ेंगे, उनके लिए तो कुछ अलग से एक्टिविटीज भी होनी चाहिए ना। तो ये एक्टिविटीज कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अलग से एक्टिविटीज हैं, ये टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया इस लॉकडाउन में, जिसका नाम है लॉकडाउन में लर्निंग। लॉकडाउन में लर्निंग प्रोग्राम में 12 से भी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे योगा, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वैदिक मैथ, ये सारी चीजें, साइंस इज फन, ICT और भी बहुत सारी चीजें। और इसका बेसिकली टाइम मैं बता दूं आपको, इसका टाइम है सुबह 11 से 12 बजे तक और संध्या 5 से 6 बजे तक। ये आप देख सकते हैं टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक पेज पर। अब दोस्तों बात ऐसा है कि इस कोरोना काल में योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, योग तो सबको करना है, और योग का टाइमिंग, चूंकि योग करना है हम लोगों को, वो सुबह का समय ज्यादा अच्छा होता है, तो योग का जो समय है वो 8 से 9 का है और सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आप इन सब चीजों से जुड़ सकते हैं हमारे टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक पेज से, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो साथियों अब हमारे कुछ साथी बोल रहे होंगे कि कक्षाएं चल रही है, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हो रही हैं। पर अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि बच्चों के पास बुक्स तो है ही नहीं, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो बेसिकली आज का जो ये टॉक शो है इसी पे बेस्ड है। दोस्तों इस लॉकडाउन में जहां मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय जैसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और शिक्षा विभाग द्वारा एक बहुत ही खास वेबसाइट और ऐप का शुभारंभ किया गया है। साथियों इसका नाम है ईलॉट्स। ईलॉट्स का मतलब है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा और साथ ही साथ गर्व भी होगा कि बिहार अपना पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी रिपोजिटरी की शुरुआत की है। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी श्री संजय कुमार सर का, जिन्होंने इसे बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ई लॉट्स की परिकल्पना बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक माननीय संजय सिंह सर के द्वारा किया गया। इसके लिए आदरणीय संजय सर एवं उनकी टीम को बिहार के सभी शिक्षकों एवं बच्चों के तरफ से अनेकों धन्यवाद। और साथ ही साथ ई लॉट्स के निर्माण में यूनिसेफ ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि टीचर्स ऑफ बिहार ने भी ई लॉट्स के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी जागरूकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए सर से जानेंगे ई लॉट्स के बारे में ढेर सारी चीजें, और आपके डाउट्स भी होंगे, लेकिन उससे पहले मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करना चाहूंगी कि एक ई लॉट्स के ऊपर हमारा एक प्रमोशनल वीडियो है, कृपया आप उसे प्ले कर दें। जब तक वीडियो प्ले हो रहा है, तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने प्रश्न जरूर पूछें। वीडियो देखते हैं। थैंक यू टेक्निकल टीम, इतनी बेहतरीन वीडियो के लिए, ई लॉट्स के बारे में बताने के लिए। अब हम लोग सीधे सर के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोगों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे ई लॉट्स को लेकर के, तो आप लोग फटाफट टाइप कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हम लोग आपके नाम के साथ यहाँ पे आपके प्रश्न को रखेंगे और हमारे माननीय अतिथि आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो चलते हैं सीधे सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि बेसिकली ई लॉट्स क्या है और यह शिक्षकों और बच्चों के लिए उपयोगी कैसे है? थैंक यू खुशबू जी, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले टीचर्स ऑफ बिहार के पूरी टीम को, जिन्होंने पिछले पैंडेमिक में भी और अभी दूसरी चरण जो पैंडेमिक का चल रहा है, और उसको चरण ना करके लहर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और तीसरे लहर की भी बात विशेषज्ञों ने की है। और ऐसे महामारी की स्थिति में टीचर्स ऑफ बिहार ने शिक्षकों की टीम बना करके पिछली बार भी बहुत सारे लाइव फेसबुक प्रोग्राम चलाए थे, जिसमें बच्चों को लाभ मिला था, और इस बार भी चला रहे हैं। तो इसलिए एक पुण्य का काम टीचर्स ऑफ बिहार के शिक्षक कर रहे हैं, ये हमारे बिहार के शिक्षक हैं, सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं और हमारा ही अंग है, और ये लोग ग्रुप बना करके कर रहे हैं, और इसमें कोई कॉस्टिंग किसी से ना लिया जाता है, ना किसी को दिया जाता है, और सभी अपने निस्वार्थ भाव से काम खुद कर रहे हैं। यह बहुत ही मजेदार बात है, इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक नेक काम बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के अन्य शिक्षकों के लिए, जो आपके वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। रही बात ई लॉट्स की, तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब महामारी के कारण विद्यालय बंद हो गए थे, तो हमारे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के नायक और नेतृत्वकर्ता श्री संजय कुमार सिंह, जो राज्य परियोजना निदेशक है, उनके नेतृत्व में मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको मैं बता दूं कि संजय सर काफी दिनों से हमारे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य परियोजना निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हो गई है और पहले से भी रही होगी। और सर का मैंने
बहुत करीब हूँ, क्योंकि मैं भी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ सर के नेतृत्व में। मैंने देखा है कि बहुत चीजों को बहुत माइंडली चेक करते हैं, देखते हैं, और खास करके एकेडमिक चीजों पर उनका ध्यान रहता है। और जब भी कोई इस तरह का सजेशन या कोई सुझाव कहीं से आता है तो चाहते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम बच्चों के बीच ले जाएं, शिक्षकों के बीच ले जाएं। उसी कड़ी में मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय स्टार्ट हुआ था, और तभी सर के दिमाग की ही उपज थी कि हम क्यों नहीं एक रिपोजिटरी बनाए जो ई लाइब्रेरी के रूप में हो। और तभी की कल्पना थी, मैं किरण मैम एज ए एसपीओ क्वालिटी देख रही थी, शुरुआत वहीं पर हुई, पिछले साल ही शुरुआत हो गई थी कि पैंडेमिक रहे ना रहे, जितना दिन विद्यालय बंद रहे खुले, लेकिन इसका लाभ तो अनंत काल के लिए हो सकता है और लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए। मान लिया जाए लाइब्रेरी जो फिजिकल लाइब्रेरी होता है, जिसको वास्तविक लाइब्रेरी कहते हैं, वह कहीं पर होता है और वहां जाने पर आप किताब खोजेंगे और मिलेगा। इन्होंने सोचा हमारे सर ने कि ई लाइब्रेरी होने से क्या होगा, कोई भी कहीं भी होगा और एक छोटा सा मोबाइल खोल करके देख पाएगा कि हमारा बुक्स कैसा है, हम अनुसरण वीडियोज कैसे देख पाएंगे, और जो वीडियो हम बिहार शिक्षा परियोजना बनाए के द्वारा बनाया जा रहा है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के लिए, इसको भी उसमें डाल करके हम एक रिच लाइब्रेरी का रूप देंगे जिसको ई लाइब्रेरी कहेंगे। इसी क्रम में जब पिछली बार काम चल ही रहा था और ये कभी भी हो सकता था, क्योंकि जब दूसरी लहर आ गई और ये उससे ज्यादा पैनिक है, इन द सेंस कभी देखिएगा कि विद्यालय तो बंद है ही, फिर से लॉकडाउन हो गया है, 25 तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, और इस अवधि में बच्चों के लिए किताब खरीद करके या खोज करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम था, तो कम से कम किताब हो और जो वीडियोज हमारे पास हैं और लिंक्स जो हैं उसको एक जगह करने की तमन्ना हमारे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की पूरी टीम को हुई कि क्यों नहीं हम लोग जल्द से जल्द इसको अंजाम दें और शिक्षकों और बच्चों के लिए एक ई लाइब्रेरी बनाया जाए। तो आप देखते होंगे कि ई लाइब्रेरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो लाइब्रेरी खुलेगा और देखा जाएगा पढ़ा जाएगा उसको ई लाइब्रेरी का नाम दिया गया, और इसका ई लॉट्स नाम रखने का मतलब था कि टीचर के लिए उपयोगी हो और बच्चों के लिए उपयोगी होगा, इसलिए ई लॉट्स रखा गया, मतलब ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और इसमें लॉट्स ऑफ मटेरियल्स हैं, चाहे वो वीडियो हैं या फिर टेक्स्ट हैं, सारा कुछ इसमें है। और इसका लॉन्चिंग 12 मई को हो पाया, काफी दिन से ही चल रहा था, लेकिन ताकि इसमें पूर्णता में कोई काम करने में काफी टाइम लगता है, और मुझे लगा कि जो ये कुछ कुछ चीजें इसमें कमियां भी हैं, खूबियां तो हैं ही, कमियां भी कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर हम उस कमियों को पूरा करेंगे तो काफी समय निकल जाएगा, इसलिए 12 मई को लॉन्च कर दिया गया। और जो कमियां हैं हम फीडबैक भी लोगों से ले रहे हैं, और उसमें जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे समृद्ध करेंगे। लाइब्रेरी वैसे भी जो खुलता है उसमें 1000, 2000, 5000, 10000 बुक होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उसकी बिल्डिंगें बनती हैं, उसकी अलमीराएं बढ़ती हैं, किताब उसमें जुड़ते जाते हैं। इस तरह की लाइब्रेरी बिल्कुल एकेडमिक है और टीचर्स और बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको क्या आवश्यकता है, किस तरह की नीड्स हैं, इसको लेकर बनाया गया है। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी इसको देखा होगा वो जरूर पाया होगा कि प्रयास किया जा रहा है, कुछ कमी है तो वो हम पूरा करने के लिए तत्पर हैं। सर मैंने देखा था कल, वेबसाइट मैंने विजिट किया था कल शाम में, और मैंने देखा सर व्यूवर 9 लाख से भी ज्यादा है, अभी तो 10 लाख 11 लाख पूर गए होंगे, लेकिन कल मैंने शाम को देखा था तो हाँ, तो कल शाम की मैं बता रही हूँ सर कि 9 लाख से ऊपर था व्यूअर, तो इसे स्पष्ट पता चलता है कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो सर आपने जैसा कहा कि लॉट्स लॉट्स मतलब बहुत बहुत सारा उसमें टेक्स्ट है, वीडियो है, सही बात है, और इसके नाम से ही पता चलता है। तो सर इस ई लॉट्स के अंदर क्या क्या है, और एक शिक्षक और बच्चे इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे वेबसाइट होता है, बहुत सारे वेबसाइट हैं, एक हमारा वेबसाइट नया इसके लिए बनाया गया है, BEPCLOTS.bihar.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और शिक्षा विभाग की है, BEPCLOTS.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने पर ये ई लॉट्स का पूरा पेज खुलता है और सारी जानकारी वहां पर है। रही बात की अगर इस वेबसाइट पर आप नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारण से वेबसाइट नहीं खुल पा रहा है, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल जो यूज करते हैं उसमें गूगल प्ले स्टोर होता है, वहां से आप ELOTS.LOTS डालिएगा। शुरुआती दौर में व्यूअर्स कम थे तो ये डाउनलोड होने में या फिर दिखने में दिक्कत होती थी, मैंने भी देखा कि फेसबुक पर कुछ शिकायतें हैं जो प्रश्न कर रही हैं कि ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा, फिर मैंने उनको लिंक बना करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा कि देखिए खुल रहा है, मैंने खोला था दोबारा तो खुला था।
लॉट्स ऐप है, ये आप गूगल प्ले स्टोर से खोल करके जब इसमें जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी है। मैं बताऊं कि क्लास 1 से 12 तक की जितनी भी टेक्स्ट है जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है या SCERT के द्वारा विकसित है, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन के द्वारा डेवलप किया हुआ है, जो हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, उन सारी बुक्स को इसमें डालने का प्रयास किया गया है। जो मैं बताऊं कि 11-12 की बुक्स जो है उसमें साइंस की आर्ट्स की बुक्स नहीं है, बाकी अन्य कक्षा की सभी बुक्स इसमें डालेंगे टेक्स्ट के रूप में। और ये आप जब भी देखेंगे इसको उसमें कई तरह की चीजें आप देखेंगे कि कक्षा वार पुस्तक का एक आइकॉन बना हुआ है, आप जिस कक्षा में जाना चाहते हैं उस आइकॉन पर बटन दबाएंगे तो फिर उस कक्षा का खुलेगा, और जिस विषय में जाना चाहते हैं उस विषय का, उसमें 2-3 विषय का ऊपर में फिगर भी दिखता है, बाकी अन्य विषय की जानकारी उसमें है, आप जब उसमें जाएंगे तो वो खोल करके उस अध्याय को पढ़ सकते हैं। मैं एक साथ एक और अन्य जानकारी भी दे दूं, मैं परसों की बात, जिस दिन ईद था से 14 मई रहा है, और 14 मई को मुझे ईदगाह पढ़ने की इच्छा हुई प्रेमचंद की कहानी, और मुझे इतना पता था कि ये हिंदी विषय में किसी कक्षा में है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं थे कि 6 में 7 में 8 में, तो मैंने 6 पहले खोला, 6 में पूरा एक बार विषय सूची जो आई उसको देखा तो उसमें नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, जो 7th का खोला, 7th खोलने के बाद 8th का खोला, 8th में 2nd चैप्टर लगा था, और मैंने अपने मोबाइल पर उसको पूरा पढ़ा। हमारे घर में किताबें भी है, लेकिन मुझे लगा कि मैं फिर 3 किताबें खोलूंगा निकालूंगा फिर पढ़ूंगा, इससे अच्छा कि मैं इस पर देख तो लूं कि किसमें है, और बड़ा मतलब लगता है 3 मिनट के अंदर मैं ईदगाह चैप्टर पर चला गया, और पूरा ईदगाह चैप्टर स्क्रीन पर पढ़ने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है लेकिन पूरा मैंने पढ़ गया, और उसके एक एक चीज को पढ़ के मैं समझ भी लिया। मुझे लगा कि जब मैं खुद यह देख करके प्रसन्न हो रहा हूँ तो जो शिक्षक या जो बच्चे होंगे जिनको मोबाइल है और रिच में है, और आजकल 1.5 GB का डाटा लगभग हर घर में यूज होता है हर दिन में, वो लोग अगर इसको देखेंगे तो जो भी चीज, जैसे कभी कभी होता है कि हम किताब नहीं मिल पाती है तो पढ़ नहीं पाते और किताब खोलने में ही काफी टाइम लेते हैं, ऐसी स्थिति में ईलॉट्स ऐप डाउनलोड करके आप तुरंत किताब में जा सकते हैं, और संदर्भ वीडियोज या फिर उससे लिंक्ड वीडियो है दीक्षा पोर्टल पर जाकर के अन्य चीजों को भी जान सकते हैं। ये बेहतरीन मुझे भी लगा, और ये चूंकि सरकार के द्वारा बनाया गया और सरकारी पदाधिकारी इसलिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसकी कोई भी रिव्यू करे मुझे लगता है उन्हें अच्छा ही लगेगा। जी सर, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि आपको ईदगाह पढ़ने का मन किया सर, और आपने वहीं से पढ़ा जहां से हम लोग भी अब प्रेरित हो रहे हैं वहां से डाउनलोड करने के लिए। फिलहाल मैं अपने टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि आप कृपया जो हमारा वेबसाइट है उसे आप स्क्रीन पे शेयर कर दे ताकि लोग देख पाए, हमारे दर्शक देख पाए कि एक तो उसके व्यूवर कितने ज्यादा हैं और कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बुक्स वगैरह को। क्वेश्चंस तो सर बहुत आ रहे हैं और शायद टेक्निकल टीम ने ये हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं सर, ये आप लोग जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ईलॉट्स का ये वेबसाइट है। ये हमारा वेबसाइट है beplots.bihar.gov.in। आप इस पर जाकर के बुक्स को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारी बातें जानेंगे सर से। फिलहाल इस वेबसाइट को थोड़ा सा आप लोग देख लें इसमें क्या क्या है। ये एक बेहतरीन वेबसाइट है, और इसका साथ ही साथ सर ने जैसा बताया कि ऐप भी है, तो ऐप जो है मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूंगी कि इसमें मैं खुशबू जी बताना चाहूंगा कि ये वेबसाइट है हमारा, यहाँ पे ये होम पेज हो गया, होम पेज पे प्रमुख चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी का, उसके बाद हमारे अपर मुख्य सचिव जी का, और हमारे राज्य परियोजना निदेशक जी का। इसके बाद अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो आपको दिखेगी अपनी कक्षाएं में प्रवेश के लिए क्लिक करें, मतलब ये जो सेक्शन बनाया गया है ये इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में इंटर कर सकूं तो वो यहां से इंटर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके नीचे जो पुस्तकों का विवेचन किया गया है, क्लास 1 से लेकर के 12 तक के 3 पुस्तकें यहां पे दिखाई गई हैं। हर क्लास के 3 पुस्तकें जो रिसेंटली अप टू डेट पुस्तक होती है
वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे वेबसाइट के बॉटम में, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिख जाएगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि आप यहाँ से जाके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें अभी तक कि इनको इनकी जो कैटेगराइजेशन की गई है क्लास वाइज, वो क्लास वाइज कैटेगराइजेशन की गई है एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। इसके बारे में सर आपको बताएंगे अच्छे से। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि मैं अभी बेसिक भी बता रहा हूँ, सर इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। और टीचर्स रिसोर्स के मटेरियल्स डाले गए हैं, कैचअप कोर्स के मटेरियल डाले गए हैं, स्किल डेवलपमेंट के डाले गए हैं, और डिस्कशन फोरम डाले हैं और फीडबैक भी डाले हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर इस पे आप कुछ अपना बताएं, तो मैं उनको दर्शकों को उस हिसाब से दिखाते रहूं। बिल्कुल, आप जैसे शुरू में आपने बताया कैटेगराइज किया गया एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, वो दिखाएं। एलिमेंट्री में क्लास 1 टू 8, जैसा कि आप जानते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा क्लास 1 टू 8 का होता है, तो 1 से 8 तक के लिए एलिमेंट्री हो गया, सेकेंडरी 9 10th का है, और सीनियर सेकेंडरी जो है वह 11 12th है। आप देखेंगे आइकॉन जो बना हुआ है उसमें कलर भी है, रेड कलर है 1 टू 8 के लिए और 9 टू 10 के लिए अलग कलर है और 10 टू 11 के लिए अलग कलर। ये जानबूझ करके भी ऐसा किया गया है कि लोगों को समझ में आए कि जो एकदम बिल्कुल आपको ज्यादा समय नहीं लगे और बहुत कम समय में आप चीजों को समझ सकें, पहचान सकें। इसके बाद 3 बुक की बात जो किया है उन्होंने, क्योंकि वेबसाइट में सारा कुछ सब स्क्रीन पर आने पर वेबसाइट में साइज का प्रॉब्लम रहता है, मतलब उसके जो जगह होते हैं उसका प्रॉब्लम रहता है। कि 3 मुख्य विषय जो भी लिया गया वो 3 दिखाया गया, बाकी सारी विषयों की जानकारी अंदर जाने पर आपको मिलेगा। और इसके साथ जो टेक्स्ट है इसकी खास खास बात यह है कि खूबसूरती यह है, यह 3D फ्लिप बुक, आप जब इसको क्लिक करेंगे राइट साइड में, जब क्लिक करेंगे तो इससे आवाज निकलेगी। आवाज वैसे ही निकलती है जैसे आप पेज को पलटते हैं, तो पेज पलटने का आवाज एक आनंद आपको आएगा, और हमारे एसपीडी सर को बहुत आनंद आता है, कहते हैं मुझे तो पेज पलटने में बहुत मजा आता है, लगता है कि एकदम बिल्कुल किताब को मैं खोल रहा हूँ। और उसको जूम करके भी आप देख सकते हैं, जैसे होता है कि छोटा अक्षर है आप चश्मा लगाते हैं या फिर मैं लगाता हूँ तो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसको थोड़ा जूम करके भी आप देख सकते हैं, और उसका आवाज जो है बिल्कुल वास्तविक लगता है और आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको ये नहीं लगेगा कि हम किताब रियल में किताब नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो वीडियोज है इसके साथ लिंक, कुछ वीडियोज हमारे पिछले बार जो पेंडेमिक में बने थे होममेड, इन द सेंस कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने भी एक अपना स्टूडियो बना रखा है, और उसमें जो अच्छे टीचर्स हैं उनको बुलाकर वीडियोग्राफी कराया है बहुत सारे चैप्टर्स का, वो भी डाले गए हैं। और इसके साथ जैसे देखिए ये जो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर वो पलट रहा है पेज, ये पेज पलटता है उसी तरह से जैसे आपका नेचुरल पेज पलटने की आदत है, आवाज जैसे पेज का आता है उसी तरह से इसका भी पेज का आता है, और जूम करके आपको दिखाया जा रहा है टेक्निकल टीम के द्वारा कैसे जूम होता है, वैसे ही आप भी खोलेंगे तो आपका भी जूम होगा और उन चीजों को आप देख पाएंगे। इसके साथ कंसर्न वीडियो है, उस वीडियो जो हमारा होममेड है वो तो है ही, इसके इतर भी हम लोगों ने प्रयास किया है, जो अच्छे वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं वेबसाइट पर या यूट्यूब पर, उसका भी हम कहीं कहीं एक संज्ञान लिए हैं और लोगों से अनुमति ली है। जैसे खान एकेडमी का वीडियो है, मैथमेटिक्स का वीडियो जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ लिंक दिया हुआ खान एकेडमी, तो खान एकेडमी वालों से हम लोगों ने संपर्क करके उनसे अनुरोध किया कि आप चूंकि वीडियो को यूट्यूब पर डाले हुए हैं तो आप अनुमति दें ताकि हम भी इस काम को इसके साथ लिंक कर देंगे और हमारे बच्चे। उसमें ये था कि वो जैसे तैसे था, मैं इनसे उनसे रिक्वेस्ट किया, उनकी चीजों को लिया और अपने शिक्षकों से उसे मैपिंग कराया किस चैप्टर के लिए कौन सा कंसर्न वीडियो है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप खोजने लगेगा तो पता चलेगा हम पढ़ना ये चाहते हैं पर कुछ दूसरा चीज रहा, इसलिए उसको अटैच किया गया, संदर्भ तय किया गया। अगर संख्या रेखा की बात है, संख्या रेखा की बात की वीडियो को उसके साथ टैग किया गया, तो चैप्टर के साथ मैपिंग करने में भी काफी समय लगा, और हम लोग 1 से 10 तक का मैपिंग, 12 तक का भी मैपिंग कर लिए हैं, और 1 से 10 तक का तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, हिंदी मीडियम में है और 11 12th का इंग्लिश मीडियम में वीडियोज है, खास करके मैथमेटिक्स का, और साइंस का भी मैं देख रहा हूँ कि हमारी टीम पूरे सशक्त होकर के लगी हुई है, हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर साइंस के भी वीडियो जो 9 से 12 तक का होगा वो भी अपलोड किया जाएगा, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दीक्षा लिंक भी है इसके साथ जुड़ा हुआ, आप उसके बाद देखेंगे तो हर विषय और हर कक्षा से जुड़ा हुआ दीक्षा लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर जब लिंक करेंगे तो दीक्षा जो
हमारा सरकारी पोर्टल है और बिहार बिछा बिहार ने भी अच्छा कार्य किया है। उन्होंने भी बहुत सारे चीजों को पुलिंग करके अपने साथ अटैच किया है, ताकि आप उस वीडियोज को देख करके जो अवधारणा जो कंसेप्ट है हमारा वो क्लियर नहीं हो पाता है किसी कारण से। कई बार होता है कि हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन खुद क्लियर नहीं होते हैं और बच्चे को भी हम क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो उस लिंक पर जाकर के भी उन चीजों को देखेंगे तो बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी आपको। और QR कोड स्कैन करने का भी है, आप देखे होंगे जिस दिन 12 तारीख को एडवर्टीजमेंट निकला था तो हमारे सभी कक्षाओं के हमारे टेक्निकल टीम ने QR कोड डेवलप किया था। QR कोड का मतलब था कि आप उसको स्कैन करिएगा सीधे ई-लॉट्स पर जाइएगा। अगर आप उसको कटिंग करके संभाल के रखेंगे तो कभी भी आप उसको स्कैन करके उसमें जा सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके आप ई-लॉट्स पर जा सकते हैं और ई-लॉट्स की सारी सामग्री को देख सकते हैं। हाँ खुशबू जी। जी सर, जी सर, ये तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है सर। और अभी हमारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उसमें आपने उत्तर भी दे दिया। एक का प्रश्न था कि वीडियो कैसे, मतलब और सारे जो वीडियोस हैं वो कब तक अपलोड होंगे, तो आपने बता ही दिया सर कि बहुत जल्दी सारे वीडियोस अपलोड हो ही जाएंगे। सर यहाँ पे एक सवाल ये, जी सर बोलिए बोलिए। जी सर, यहाँ पे ये सवाल है सर कि बहुत सारे ऐप, अभी तो वेबसाइट ये हमारा बन गया लेकिन पहले से भी बहुत सारे ऐप मौजूद हैं सर, वेबसाइट भी मौजूद है जहाँ पर जाकर के हम लोग देख सकते हैं, तो फिर इस ई लॉट्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई सर? खुशबू जी, सच बात यह है कि चीजें जब आप मार्केट निकलती हैं या फिर कहीं कोई संस्थान में एडमिशन लेती हैं तो बढ़िया और खराब दो तरह की चीजें होती है। खराब क्या है, बढ़िया क्या है, इसकी समझदारी आपको होती है और आप बेहतर, मतलब कई बार ऐसा होता है कि दो बेहतर में भी चुनना रहता है तो कहीं कहीं कुछ खूबियां उसमें होती है उसको आप चुनते हैं। ये ई लॉट्स एक ऐसा ई लाइब्रेरी है जिसमें हर तरह की चीजें अभी आपको बहुत कम नजर आ भी रही होगी, तो ये धीरे धीरे समृद्ध होगा और एक प्लेटफॉर्म पर है। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, 1 से 12 के बच्चों के लिए ही है, ऐसा नहीं है, शिक्षकों के लिए। हम लोग प्राय देखते होंगे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो जो राज्य स्तर पर ट्रेनिंग होती है तो उस राज्य स्तर पर जो ट्रेनिंग में जो मास्टर ट्रेनर होते हैं वो कहीं कहीं ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं और उस मॉड्यूल को उसी तरह से लोगों को देते हैं जो जिला से आते हैं उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन जब जिला जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि कई बार कुछ जिला के लोग जो लेट से आते हैं या फिर ट्रेनिंग में अटेंटिव नहीं रह पाते हैं किसी कारण से, तब जिला में जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो डिटेरियोरेट करता है हमारा ट्रेनिंग और फिर उसके नीचे डिटेरियोरेट करता है और स्कूल तक जो ट्रेनिंग हूबहू जाना चाहिए जिस उद्देश्य से ट्रेनिंग दी जाती है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। और इस मॉड्यूल में एक अच्छी चीज है, इस ई लॉट्स में एक अच्छी चीज है कि हम सारे मॉड्यूल्स को भी टीचर्स के रिसोर्स के रूप में एक बना दिए हैं, ऐप है, ये कॉलम है इसमें जो टीचर्स रिसोर्स के रूप में है। उसमें टीचर्स रिसोर्स में कैरिकुलम है, सिलेबस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, लर्निंग आउटकम्स है, शिक्षक साथी है, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम शाह का मॉड्यूल है और बहुत सारे चीज है उसमें डाला हुआ है जो अभी टेक्स्ट में है। मेरा मानना है कि जब आने वाले दिन में ट्रेनिंग ट्रेनर के द्वारा दिया जाएगा तो उसके भी अच्छे वीडियोज बनेंगे और उसको भी इस पर डाला जाएगा ताकि जब विद्यालयों तक कोई बात जाए या संकुल तक बात जाए या प्रखंड तक बात जाए तो ये बात स्पष्ट जाए कि हाँ ये चीज है। होता क्या है जो हम डिटेरिएट जो करते हैं ट्रेनिंग वो भी हमारे लिए ये इलॉट्स पूरा करेगा, तो जैसा है वैसा ही हम इस पर डालेंगे और उसको देख करके लोग खुद समझ पाएंगे कि हाँ बात ये होनी थी और यही बात हमें नीचे तक समझानी है। तो इसके अपने महत्व हैं और इसमें कई लिंक्स जुड़ते जाएंगे आने वाले दिन में। मैं आपको बताऊं कि इसे अभी एक है हमारा उन्नयन विहार, उन्नयन विहार के मटेरियल्स जो होते हैं वो एक बार टाइप्ड मटेरियल, मतलब जो भी हमने दिया पेन ड्राइव में लोगों को शिक्षकों को वो वहाँ खोले और वो दिखाए, उसमें अपडेशन की सुविधा नहीं है। फिर अगर हम उसमें अपडेशन करेंगे दूसरा पेन ड्राइव देंगे तब वहाँ लगाया जाएगा, लेकिन इसमें अपडेशन की सुविधा होगी, इसमें हम अपडेट करेंगे जो भी चीजें अपडेट करने का होगा वो करेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं कि जो ये पुरानी किताबें हैं और उसके ही वीडियो जा रहे हैं जब तक कि नई किताबें नहीं बन रही। आपको पता है कि NEEP 2020 पर बहुत सारी चीजें आनी है, हम उस सब चीजों को इस पर डालेंगे ताकि एक समृद्ध और एक जगह एकीकृत तरीके से इंटीग्रेटेड टाइप से ये चीज मिलेगा और हर चीज यहाँ पर मिलेगा। और हमें लगता है कि जो जितने चीज मैं बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा चीजें आने वाले दिनों में संभव है कि वो हो पाएगा।
मैं अभी बहुत सारा चीज सोच भी नहीं पाया हूँ, जो हमारी टीम या फिर हमारे एसपीडी सर की सोच है वो भी मैं करने जा रहा हूँ। अभी तो मैं बताऊं कि आप लोगों में जो अच्छे शिक्षक हैं, जो अच्छा वीडियो या अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा टेक्नोक्रेट्स हैं, तरसती टेक्नोक्रेट्स मतलब जिसको टेक्निकल आइडिया है कैसे हम लिंक करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उन लोगों की एक टीम बनाने की विषय में सोचे हैं। आप लोगों से गूगल ड्राइव पर एक ऑडिशन लेंगे, जो अच्छे शिक्षक हैं अपना ऑडिशन 2 मिनट का देंगे और उसमें से हमारी टीम जो है देखेगी, उसका रिव्यू करेगी कि ये कौन से लोग हैं जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनको हम वेलकम करेंगे, अपना स्टूडियो जो डेवलप कर रहे हैं किए हैं या स्टूडियो हायर करेंगे, उसमें उनसे वीडियोग्राफी कराएंगे चैप्टर का और विषय वस्तु का, और उसको फिर इस पर अपलोड करेंगे। ये सब प्लानिंग है, क्योंकि बिल्कुल पैंडेमिक इस बिल्कुल कदर सभी चीजों को प्रभावित किया है, जो हम लोग किसी को अभी बुला बुला नहीं सकते हैं और किसी के यहाँ जा नहीं सकते हैं, इसलिए जो ही ये सब से थोड़ा उभरते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे स्पीड सर बहुत ही अपना नेतृत्व इस तरह से दे रहे हैं कि इसको इतना इनलार्ज और इतना इंटीग्रेटेड कर देंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ, ये लॉट्स में लॉट्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ एकेडमिक मटेरियल्स होंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले जी दिन और समृद्ध होंगे। एक बिल्कुल आ सर रहा है, चूंकि ई जी लॉट्स सर फिर प्रश्न से ऑनलाइन संसाधन है, तो जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनके लिए कैसे कारगर है ई लॉट्स? जो बच्चे फर्स्ट लर्नर हैं और उनके अभिभावक अशिक्षित हैं, तो उन बच्चों के अशिक्षित लिए हम कोरोना काल में ये कैसे लाभदायक हो सकता है? नम्रता सिंह जी का प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि अब कुल मिला के कहिए खाना बना हुआ है और थाली नहीं है, तो विकल्प में क्या होता है? खाली की जगह हम पत्तल या कोई व्यवस्था करते हैं या कहीं से हायर करते हैं। ये पैंडेमिक में ये हुआ है कि सारे के सारे बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हो पाए। एक हमारा विकल्प के तौर पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय चल रहा है, और वह जिन घर में टीवी है उन घर में बच्चे लाभ ले रहे हैं। पिछली बार 51 लाख बच्चों ने लाभ लिया, 1.5 करोड़ बच्चे हैं। मैं मानता हूँ कि सारे बच्चे छोटे बड़े, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जिनके घर टीवी है फिर भी नहीं खोलते हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है कि हम उनको कहाँ कैसे प्रेरित करें। हमारे शिक्षकों ने, आपकी टीम ने, सब लोगों ने लगातार प्रयासरत रहा, जो जिसके समीप था वो बच्चों को कहा कि आप सुपौल से एक शिक्षक मित्र हैं और वो कह रहे थे कि मैं सर विद्यालय के कौशल क्षेत्र में लोगों को बता दिया, फिर से 9th से 12th तक का मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयास किया हूँ, 2-4-5 लोग जुड़े हैं और लोग जुड़ रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत तौर पर भी शिक्षक हमारे प्रयास कर रहे हैं उनको जोड़ने का। रही बात ई लाइब्रेरी का, ये तो निश्चित रूप से आप जब तक मोबाइल एंड्रॉयड नहीं होगा, वो मोबाइल 4-5 हज़ार रुपया का होता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम स्वास्थ्य पर बहुत खर्च करते हैं और शिक्षित नहीं रहते हैं स्वास्थ्य पर और अधिक खर्च होता है। तो हमें शिक्षा की भूख होनी चाहिए और शिक्षा के विषय में हर आदमी को प्रेरित करनी चाहिए। जो गरीब है अमीर है मतलब नहीं है, मतलब है कि अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं तो स्वास्थ्य को भी संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें हैं, नाक में नींबू लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, लेकिन जो शिक्षित नहीं है वो तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं लेना चाहिए, ले लेते हैं और उसे दुर्घटना भी हो जा रही है। तो आपको अच्छा और बुरा समझने के लिए थोड़ा सा अक्ल लगाना ही पड़ेगी, और जिन लोगों को, जैसे गरीब लोग हैं, अगर अशिक्षित हैं, उनको हम जैसे शिक्षित लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि ये आपको करना चाहिए, ये प्रायोरिटी में रखिए। बच्चों के लिए मोबाइल खरीदना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल को दूर रख के भी 3-4 बच्चे एक साथ लाभ ले सकते हैं और ये कहते हैं कि हम उसके घर नहीं जाएंगे। तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो हम भी कितना भी कहें आपको पढ़ने के लिए, तो आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये हमेशा से रहता है, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक साधन से शिक्षा की बात करते हैं, तो कहता है कि जिसके पास नहीं है। मेरा मानना है कि अकाउंट भी बहुत लोगों के पास नहीं था, तब भी लोग जीते ही थे, लेकिन अकाउंट खुलने के बाद थोड़ी सुविधा हो गई, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाने लगा, अकाउंट खोलने में बहुत खर्च नहीं लगता है। सरकार भी बहुत सारी चीजें दे रही है और बहुत सारी चीजें आप अपने मेहनत से भी कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। इन द सेंस स्वास्थ्य के बिल्कुल प्रति आप सजग हैं तो शिक्षा के प्रति भी सजग होइए। दोनों बिल्कुल मौसेरा भाई है, एक बात समझने का है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मौसेरा भाई है, और कोई भी कमजोर होगा तो मुश्किल होगा। जैसे दो आंखें होती है, नाक के 2 छिद्र होते हैं, कान के 2 छिद्र होते हैं, उसी तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा दो हमारे अंग हैं, ऐसे अंग हैं, किसी को कमजोर आप नहीं रख सकते हैं। आज के दिनों में स्वास्थ्य पर लोग इतना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर भी खर्च कर रहे हैं, और शिक्षित लोग कम से कम पैंडेमिक को समझते हैं, धैर्यवान होते हैं, साहसी होते हैं, साहस नहीं खोते हैं। वो समझते हैं कि डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, नीम हकीम खतरे जान होता है, ये समझते हैं, तो वो ओझा गुनी में विश्वास नहीं करके डॉक्टर की सलाह में या फिर अच्छे लोगों की सलाह से ही काम करते हैं। इसलिए ये बात हमेशा से आते रहा है कि तब क्या होगा, तब क्या होगा। देखिए,
देखिए समस्या का अंत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहिएगा तो कमतर समस्या जरूर कर सकते हैं और समस्या खुद ना बने। जैसे अगर हम मैं शिक्षक हूं और मैं ही कहूँ कि ई लॉट्स का जो जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा, नहीं करेगा तो मैं कराऊंगा, मैं उनके पास जाऊंगा या फिर उनको खुशामद करूंगा, उनको मनाऊंगा कि आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, आप एक मोबाइल जरूर खरीदें। आप देखिएगा कि जो लोग अंडा मुर्गा ये सब खाने में जो ज्यादा पैसा लगता है उस पर कितना पैसा खर्च कर देता है, कोई त्योहार होता है तो कितना पैसा खर्च कर देता है, लेकिन एक मोबाइल है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं, सब कुछ आज के समय में मोबाइल पर हो गया, हर व्यक्ति के पास बिल्कुल मोबाइल हो गया चाहे छोटा या बड़ा, बिल्कुल, तो थोड़ा सा पेन लेना होगा, मैं ये आग्रह करूंगा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ सर। कल जो है हम लोग के टीचर्स ऑफ बिहार पे एक वैदिक मैथ्स का क्लास चल रहा था, राकेश सर ले रहे थे, तो उसमें मैं एक फोटो साझा किया गया सर। मैंने देखा वहां पे कि कई सारे बच्चे, 6-7 बच्चे, जो लग रहा था कि गांव घर के ही हैं, और एक ही मोबाइल से 6-7 बच्चे मोबाइल को दूर में रख दिए थे और सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो जिनको पढ़ने की ललक है सर, तो वो किसी ना किसी तरह उपाय कर ही लेते हैं, और जिनके पास है तो उनके लिए भी तो कुछ करना होगा ना। जिनके पास नहीं है तो वो प्रयत्न कर ही रहे होंगे, इस मैं पेंडेमिक बताऊं से उबरने की सब पिछली कोई कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार की पेंडेमिक में मैंने देखा था झारखंड में एक ऐसा भी एरिया था जहां पर मोबाइल थे लोगों के पास लेकिन नेटवर्क नहीं था। अब मैं बताऊं कि अभी पटना में 2-3 जगह रास्ते में नेटवर्क कटता है, मतलब वहां नेटवर्क कमजोर होता है, सचिवालय जैसे जगह में नेटवर्क कमजोर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग काम करते हैं। मेरा मानना है कि वहां मैंने देखा था कि एक शिक्षक गांव के 30 बच्चे को लेकर के पहाड़ी पर चले गए जहाँ नेटवर्क मिलता है और वहां सोशल डिस्टेंसिंग में बैठा करके एक मोबाइल के जरिए वहां बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। तो जहां चाह वहां रहा, अगर हम ऐसा पॉजिटिव नहीं सोचेंगे शायद हमें हमेशा दिक्कत होती रहेगी और हमेशा आप किसी को स्पून फीडिंग नहीं करा सकते, ये बात मान के चलिए। अगर देखा जाए अब हर चीज हम आपको अवेलेबल कराएंगे, मैं पढ़ाया करता हूँ, जैसे शिक्षक साथी एक बुक है, इस तरह से बहुत सारे बुक्स हम मॉड्यूल्स डेवलप करते हैं और शिक्षकों को कहते हैं कि ये लीजिए इससे पढ़ाने में आपको सुविधा होगी, लेकिन अगर उसको शिक्षक नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षक कभी पढ़ाने में मन नहीं लगा सकते हैं और उस मेथड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर कुछ बना बनाया दिया जाएगा ऐसा नहीं है, कई लोग खुद से पढ़ते हैं और खुद से समझते हैं, खुद से सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो मेरा यह मानना है कि जहाँ चाह वहां रहा। एक प्रश्न और भी आ रहा है इसके लिए शिशु तो जी, जी सर, जी सर, जी सर, ये है ब्रजेश राजधान यादव जी का है, ई लॉट्स में 11th और 12th के आर्ट्स सब्जेक्ट का बुक और वीडियो क्यों नहीं है, क्या आर्ट्स के बच्चे बिहार का नहीं, यदि है तो भेदभाव क्यों। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि भेदभाव की बात नहीं है, कुछ चीजें अभी हमारे रीच में नहीं था या फिर हम इस महामारी के दौर में एक जगह नहीं कर पाए थे जो हम आपको इस पर अपलोड नहीं कर पाए, कोई भेदभाव की बात नहीं है। और मेरे जैसे लोग तो आर्ट्स पढ़ने वाले को और तवज्जो इसलिए देते हैं कि ह्यूमनिटी ग्रुप का विषय है और हमारे सोसाइटी में जितनी भी समस्याएं हैं साइंस पे हल हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हमारे ह्यूमनिटीज ग्रुप के चीजों को, इतिहास को, भूगोल को, नागरिक को पढ़ने से हल होता है, तो बाइस्ट होने की बात ही नहीं है, आने वाले दिन में आप उसको भी देख पाएंगे और वीडियोज भी बनेंगे। आमतौर पर हम उसी समाज के हिस्से हैं जिस समाज में साइंस को प्रायोरिटी दिया जाता है, साइंस पढ़ने की ललक लोगों की ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खुद ज्योग्राफी और हिस्ट्री में रुचि रखता हूँ जबकि साइंस से मैं ग्रेजुएट हूँ और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में रुचि रखता हूँ, मैं कई लोगों को कहता हूँ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पर भी ध्यान दिया जाए और बराबर की ध्यान दिया जाए, और जिस तरह से मैंने कहा शरीर के 2 आंख में कोई एक गड़बड़ होता है तो दिक्कत होती है, उसी साइंस और आर्ट्स की बात है या फिर कॉमर्स की ही बात है, हर चीज होंगे थोड़ा टाइम लगेगा। चंचला तिवारी जी का, जी सर, वीडियोज आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, व्हेन वी कुड एक्सपेक्ट दैट टीचिंग वीडियोज और एनी अदर ई कंटेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैडम ऐसा है कि आप तो शायद, हमें लगता है कि मुझे याद है शायद आप जो हमारा वीडियो शूट होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करती हैं और रहती हैं, जी 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 सर, जी और सर, आपकी वीडियोज या अन्य वीडियोज अभी डालने की प्रोसेस में, सभी कुछ अभी है नहीं इस पर, इसलिए थोड़ा सब्र करें, थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, और धीरे धीरे चूंकि लोड होने में भी वेबसाइट पर टाइम लगता है तो आप यह मत समझें कि जो जितना है उतना ही रहेगा, तो धीरे धीरे आप जब लटते पलटते रहिएगा उसमें तब्दीली होगी और बहुत अच्छी चीज आने वाले बहुत दिनों सारे में। क्वेश्चंस पूनम, आ रहे हैं सर, तो जी सर, हाँ पूनम पूनम कुमारी का कुमारी जी कह क्वेश्चन रही है, मैं 9वीं एवं 10वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ, इन पाठ पुस्तकों को पढ़ाते समय बहुत सारे हिंदी साहित्य पुस्तकों का जिक्र आता, तो
अभ्यास के प्रश्नों में भी बहुत सारे हिंदी के कहानियों को पढ़ने और निर्देश बच्चों को दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि क्या पाठ्य पुस्तक से अलग हिंदी साहित्य की पुस्तकों को भी ई लाइब्रेरी में डालने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, अंत नहीं है किसी चीज का। मैम, आपका कहना सही है और संसार में चीजें जो आती है, क्योंकि जो भी लोग शिक्षक हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ, आप चैप्टर में सिर्फ चैप्टर तक ही सीमित नहीं रहिए, बल्कि उससे कंसर्न चीज जो है उसको भी कलेक्ट कीजिए और उसको भी संदर्भ कीजिए। तो मैं शिक्षकों के ऊपर ही आश्रित हूँ। ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की कोई ऐसी टीम है या एकेडमिक टीम है कि वो अकेले सब कुछ कर ले रही है। हम आपके बदौलत ही सब कुछ कर पा रहे हैं, आपसे ही हमें ये काम लेना है। और मैं हमारे एसपीडी सर का ये भी है कि हमारे अच्छे टीचर्स का ग्रुप हो जो यूट्यूब पर चीजों को खोजे, जिसका लिंक हम इसमें स्थापित कर सकें, और अच्छा चीज जो हमारे कंसर्न चैप्टर से अटैच हो, संबद्ध हो, ऐसा चीज होना चाहिए। तो मैं अवांछित चीजों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन वांछित जो एक्सपेक्ट कर रही हैं आप या कोई भी, उन चीजों को मैं जरूर शामिल करने के लिए अपने टीम को कहूंगा और अपने एसपीडी सर से आग्रह करूंगा, और रिव्यू करके जो एकदम बोधगम हो और सुविधाजनक स्थिति में हो और किसी से लेने में हमें कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं आवे। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी वीडियोज हैं, लेकिन वो बेचते हैं, बेचने वाले से खरीदेंगे, इससे अच्छा है कि हम कुछ एनर्जी लगा करके हम अपने सरकारी शिक्षकों से लाइव क्लासेस बना करके, या लाइव नहीं हो पाए तो हम वीडियोग्राफी करा करके उन चीजों को डालेंगे। तो हमारा जो बिहार के बच्चा है, बिहार के शिक्षकों से जो वीडियोग्राफी होकर के क्लासेज आएंगे, तो उसको समझने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ के लोकल होंगे, स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे और स्थानीय इमोशन का भी उपयोग करेंगे। कभी कई बार होता है कि हम पढ़ाते हैं, इमोशनली अगर अटैच हो जाते हैं बच्चों से, वो कहीं कहीं फ्रूटफुल होता है। वंदना सिंह जी का क्वेश्चन है। सर, जी सर, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सर वेबसाइट और ऐप तो है ही सर अपडेट करने के लिए, तो ये तो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा और सभी लोगों को सुविधाएं मिलती रहेंगी सर। तो हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं सर। वंदना सिंह सर, वंदना जी, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन कोरोना वायरस में हमारे गाँव के बच्चों को कैसे लागू किया जा सकता है? देखिये, ऐसा नहीं है, ये नेटवर्क आज के समय में गाँव में भी है। आप देखेंगे कि गाँव में भी लोग मोबाइल का खूब यूज करते हैं और दिन भर लगे रहते हैं, आलतू फालतू चीजों में लगे रहते हैं। हमें सिर्फ ये बताना देखते होगा, रहते हैं सर दिन भर। बिल्कुल बिल्कुल, और भोजपुरी गाँव में तो मैं देखता हूँ कि भोजपुरी अश्लील गीत जो होते हैं उसको बच्चे सुनते रहते हैं और उससे उनके मन में खुराफाते आती रहती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब गलतियां होती रहती है और जवां हो रहे बच्चों को काफी परेशानी होती है, अश्लील चीज देखते देखते उनकी पोर्नोग्राफी की तरफ मूवमेंट हो जाता है। तो ई लॉट्स पर जो चीजें हैं इसको देखने के लिए प्रेरित करना होगा, और हर गांव में हमारा विद्यालय है और हर गांव में हमारा शिक्षक भी है। शिक्षक अब गांव में भी रहते हैं ऐसा नहीं है, और हमें लगता है कि शिक्षक महत्वपूर्ण करी है। मैं समझता हूँ कि माता पिता के बाद शिक्षक ही होते हैं जो किसी भी बच्चे को एक संस्कार दे पाते हैं और बच्चों में संस्कार डालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। बिल्कुल सर, साहू सर जी बिल्कुल यही स्पष्ट लिखे हैं सर कि यह तथ्य सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 10-20% विद्यार्थी एंड्रॉयड मोबाइल से जुड़े हैं। भले ही एक विद्यार्थियों की बड़ी संख्या इससे वंचित रह सकती है, परंतु यह पहल सभी शिक्षकों के लिए निसंदेह ही लाभदायक है। शिक्षक इसे सक्रियता के साथ जुड़कर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट हो सकते हैं, जिसका लाभ अंततः बच्चों को ही मिलेगा। बिल्कुल साहू जी ने तो सही बात कह ही दी है सर कि बच्चे अभी भी सर मेरे विद्यालय के तरफ के बच्चे फोन करते हैं, या मैंने उनका तो व्हाट्सएप ग्रुप ही क्रिएट कर दिया है, और जितनी भी अच्छी चीजें होती है बस उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ कि हाँ बच्चे अब यहाँ से बुक डाउनलोड कर लो, यहाँ से वीडियो चल रहा है ये देख लो, कुछ दिक्कत होती है तो फोन करते हैं। तो हम लोग को अपना तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। औरंगाबाद जिले से हैं और जिस प्रखंड से कुटुंबा प्रखंड से आते हैं, ये प्रायः शैक्षणिक गतिविधियों में तल्लीन रहते हैं, और अपने प्रयास से इन्होंने वहाँ उस प्रखंड स्तर पर मैगजीन भी निकाली है, और वहाँ ऐसी भी शिक्षिकाएं हैं जो आगे चलकर CDPO भी बनी है, मतलब मेहनती है तभी तो CDPO बनी है। मैंने इनकी मैगजीन को देखा है और आपके टीचर से बिहार की ई मैगजीन में भी ये आपके संपादक हैं। तो ऐसे शिक्षक भी हैं और ऐसे शिक्षक मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं है इसका प्रभाव पड़ता है। मैं कई शिक्षकों को जानता हूँ जिससे लगातार कहीं कहीं 8 दिन पर 10 दिन पर कोई किसी किसी से बात होती रहती है, पर डे एक दो शिक्षक की बात होती है, और मैं समझता हूँ कि मैं मानता हूँ कि 10-20% शिक्षक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन देखता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, और धीरे धीरे हमारे रास्ता अच्छे कदम जो है बढ़ रहे हैं, शैक्षणिक गतिविधि हो रही है, शैक्षणिक क्रांति पर हम लोग बढ़ रहे हैं और सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं, किसी एक का नहीं बल्कि सब लोग मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं, और 10-20%
80% पर जा सकता है। बिल्कुल सर, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं सुरेश गुप्ता सर का। सर, हम भी एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं और हम चाहते हैं कि अपना योगदान आपके साथ सहयोग कर सकें, तो क्या करना होगा? ये मतलब आपका सहयोग करना चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सुरेश गुप्ता जी। मैं आपको पहले तो शुभकामना कि आपने अपने मन से ही ऐसा कहा है। हमारे टीचर्स हैं जो हमसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं सर सहयोग करना चाहता हूँ, मुझसे भी सहयोग लें और मुझे आप लोगों के सहयोग से ही इसको और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। मैं कहूँगा यह कि हमारे जो ईमेल होगा, जो इसमें कहीं कहीं होगा आपको वेबसाइट से जुड़ा हुआ ईमेल होगा या फीडबैक होगा, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं और हम लोग जो हमारी टीम है वो निकाल करके और आपसे संपर्क करेंगे। अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, संपर्क करेंगे और आपसे 2 मिनट का ऑडिशन भी हम लोग चाहेंगे। आप आपसे ही नहीं बल्कि अन्य शिक्षकों से भी जो चाहते हैं कि हम अपनी बात अध्यापन की कला को विभाग तक पहुंचा सकें, वो 2 मिनट का एक ऑडियो बना करके आप हमारे टीम को ईमेल के जरिए दे सकते हैं और उसको हम लोग रिव्यू करके फिर जो अच्छे होंगे, जिनका वीडियोज जो अच्छे शैली में कराते होंगे, उनको मैं बुलाऊंगा और उनसे वीडियोग्राफी कराऊंगा और उनको मौका दूंगा, या नहीं बुलाऊंगा तो आप अच्छे मोबाइल से वहीं पर अपनी एक्टिविटी को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में बना करके हमें भेजेंगे और हम उसको ई लाइब्रेरी का पार्ट बनाएंगे। जी सर, हम लोग यहाँ पे एक उमाकांत सर का प्रश्न है उसे ले लेते हैं। बदलते परिवेश में ई लॉट्स बच्चों को पढ़ाई से जुड़ाव स्थापित रखने में बेहतरीन टूल साबित होने वाला है। कुछ शिक्षक तो अपने प्रयास से तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण की जरूरत है। सर, क्या इस दिशा में बीईपी की कोई पहल होने वाली है, बताने की कृपा करें। तकनीकी रूप से कैसे हम शिक्षकों को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि कई शिक्षक तकनीकी रूप से साउंड है और एक शिक्षिका है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे याद है कि सीतामढ़ी की शायद है, वो अपना बजाते तकनीक बताने के लिए काफी प्रयासरत हैं और अपना एक तकनीक बताने के लिए अपना काम कर रही हैं। एक शिक्षक दरभंगा से हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये छिटपुट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये जानकारी मुझे हो रही है, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ चीजों को कि कौन शिक्षक इस तरह से तकनीकी मदद करने में अच्छे साबित होंगे और उनसे तकनीक का वीडियो बना करके मैं इस रिपोजिटरी में जरूर डालने का प्रयास करूंगा ताकि अन्य शिक्षक भी लाभ ले सकें। मैं बताऊं कि स्किल डेवलप का भी गुंजाइश है यहाँ पर, हम फिट इंडिया और खेलो इंडिया के लिंक को भी इसमें डाले हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी चीजों को भी हम इसमें डाल रहे हैं और योगा जो हमारे यहाँ सर जी हैं वो योगा सिखाते हैं, उनसे भी मैं जब पैंडेमिक थोड़ा सा डाउन होता है और फिर जब हमारे व्यवस्थाएं सब रेगुलर हो जाएंगी तो उनसे भी वीडियो बना करके मैं इस चीज को डालूंगा ताकि ऑथेंटिक चीजें लोगों के पास जाए। और देखिए, ऐसा है कि चीजें हमारे पास भी आपके पास भी बहुत सारा, लेकिन प्रामाणिकता होनी चाहिए और उसमें कहीं कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, कोई बात नहीं आ जाए, कोई अशुद्धि ना रह जाए, कोई कठिनाई ना हो जाए, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि चीज ऑथेंटिक हो, उसका टाइम लगेगा। तो सब्र कीजिए और बीपी 30 साल पूरा कर लिया है, आप लोगों को जानकारी भी होगा और इस 30 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं बिहार के लिए और इनकी टीम जो है बीपी की टीम है हमेशा बेहतर काम करने में विश्वास करती है और बेहतर करेगी, ये हमें उम्मीद है और आशा। बिल्कुल सर, और मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं सर, जैसे कि टेक्निकल की बात इन्होंने बोली कि शिक्षक टेक्निकली रूप से कैसे स्ट्रांग होंगे, तो अभी सर जो टीचर्स ऑफ बिहार पे हमारा SOM का जो क्लास चल रहा है सर लाइव, शुरुआती में बहुत सारे शिक्षक नहीं जान रहे थे कि कैसे लाइव हम लोग आते हैं फेसबुक पे, लेकिन अभी 50 से भी ज्यादा शिक्षक जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइव आ रहे हैं। और सर इतना ही नहीं, ये लोग अपने सारे वीडियोस वेबसाइट पे भी अपलोड कर रहे हैं खुद से, तो कहीं ना कहीं ये लोग टेक्निकली, और इस पेंडेमिक में सर हम लोग तो टेक्निकली स्ट्रांग हुए ही हैं, नहीं तो इससे पहले कितना हम लोग जूम यूज करते थे या कितना हम लोग सारी जितनी भी है सोशल मीडिया उतनी यूज नहीं करते थे, पर इस पेंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि हम लोग टेक्निकली कैसे स्ट्रांग हो। सर, जब भी कोई महामारी आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कष्ट ही देती है, समस्याएं ही देती है, बल्कि कुछ अवसर भी पैदा करती है और इस पैंडेमिक ने बहुत सारे अवसर भी दिए, ऐसा नहीं है। हम लोग आज फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं, ये कल्पना भी नहीं किए थे और इसकी जरूरत भी नहीं होती अगर ये पैंडेमिक नहीं होती। अब ऐसा काम भी देशों में, खास करके विकसित देशों में, राज्यों में होते रहा होगा, हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन हम लोगों को भी ये मजबूरी कहिए
या फिर अवसर मिला तो इसको लास्ट में हम देख रहे हैं। ये रितेश कुमार रिंकू जी का प्रश्न है, कोरोना काल में टीचर्स और बिहार का स्कूलों में मोबाइल जैसी अच्छी पहल पर क्या कहना चाहेंगे। ये तो मैं शुरू में ही कह दिया था जब मैं शुरुआत किया था, आप शायद उसमें नहीं होंगे। मैंने कहा था कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, और ऐसा नहीं है कि बूंद कोई एक ही आदमी बूंद बूंद से तालाब को भर देगा, ऐसा नहीं है। सामूहिक रूप से टीम वर्क के रूप में, और बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं वह निस्वार्थ भाव से जो बूंद बूंद डाल रहे हैं वह कहीं ना कहीं एक तालाब एक नदी का रूप ले रहा है, और बच्चे तो लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो शिक्षक को लगता था कि अरे पढ़ाना है तो किताब का चैप्टर उठाए पढ़ा देना है और इतना ही तक ही सीमित रहते थे, वो भी एक एंड्रॉयड मोबाइल से जुड़कर अपने को आगे ले पाए हैं और कई तरह से आगे आए हैं। वोकल हुए हैं, इंट्रोवर्ट जो थे एक्सट्रोवर्ट हुए हैं, ये तो हम देख भी गए हैं क्योंकि हमने देखा है। अब आप विश्वास कीजिएगा, एक दरभंगा के शिक्षक हैं, वह नचिकेता दानी पेर जैसे हिंदी के चीजों को जब लाइव कक्षा में बताते हैं तो बजाते फोटोग्राफ बना करके ब्लैक बोर्ड पर लगा करके और एक एक चीज को एक दूसरे से लिंक करके बताते हैं। आप कभी सोच सकते हैं कई बार हिंदी के विषयों को पढ़ाने में लोग पता है इसमें TLM क्या आवश्यकता होती है, लेकिन जी नहीं, मतलब जब भी आप क्लास में ट्रांजेक्ट कर रहे होते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए आप जितना अधिक से अधिक आप गुंजाइश निकालिए कि TLM कैसे हम इसमें घुसेर सकते हैं, लेसन की जबरदस्ती भी अगर TLM उसमें डाल करके पढ़ाते हैं तो मजेदार हो जाता है। TLM तो वहाँ एक डिक्शनरी का भी हो सकता है, लोग माने या ना माने, ऐसा नहीं है कि हिंदी के सभी शब्द से आप रूबरू हैं या बच्चे रूबरू हैं, हिंदी की डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती है। हिंदी की डिक्शनरी भी TLM हो सकता है। तो अब दानी पेड़ है, पेड़ भी वास्तविक पेड़ खड़ा कर दीजिएगा और कहिएगा यही दानी पेड़ है, वह भी एक मतलब TLM है। तो इस तरह से आप कितना अच्छा कर सकते हैं आप पर निर्भर करता है। गिरधर हाँ कुमार हाँ जी का सर, प्रश्न है, सरी लाइब्रेरी क्या सम्मुख कक्षा शिक्षण का विकल्प है, इससे कैसे संबंधित करें, समझित मार्गदर्शन करें। दें। गिरधर कुमार जी, हाँ तो कटिहार से हैं, अहमदाबाद से, बैरिया से। गिरधर जी एक्चुअल में है क्या, जो आप किसी चीज को अल्टरनेट कुछ समय के लिए मान सकते हैं, परमानेंट नहीं होता है। जैसे अब किसी का टांग टूट जाता है तो बैसाखी लेता है, लेकिन कहिए है कि टांग के जगह बैसाखी वैसा ही काम करेगा तो ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये सपोर्ट सिस्टम है, या समझिए कि अभी हम किताब नहीं बच्चों को दे पा रहे हैं, शिक्षकों के तक को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, इसके लिए ई लाइब्रेरी है। लेकिन ई लाइब्रेरी एडिशनल ही सपोर्ट दे पाएगा, वो कभी भी जो ओरिजिनल कक्षाएं होती है उसका कोई लाइब्रेरी हो या लाइव क्लासेज हो ही नहीं सकता। इसमें अभी आप देखिए, आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो लिख के करते हैं, आप डायरेक्ट हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, हमसे खुशबू प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन आप नहीं पूछ सकते। ऐसी स्थिति में इस जो वर्चुअल चीजें होती हैं वर्चुअल जैसी ही होंगी, लेकिन जो वास्तविक चीजें हैं वो वास्तविक ही हैं। तो हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि ई लाइब्रेरी पर हम डिपेंड हो जाएं, हम लोग क्यों नहीं ऐसा सोचें कि जल्दी से जल्दी ये महामारी खत्म हो जाए, और खत्म महामारी हो जब जाए खत्म हो जाए तो हम फिर क्या करते हैं लाइव फिर क्लासेस से बच्चों के स्कूल साथ ज्वाइन हो करें। और एडिशनल चीजें ये जो होगा वो हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी सर, अभी आपने जैसा बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना ने 30 वर्ष पूर्ण कर लिए, तो सर यहाँ पे ये बताइए कि 30 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो क्या पूर्व के वर्षों में जितने भी डॉक्यूमेंट बने हैं क्या उन पुराने डॉक्यूमेंट को भी इसमें डालने की योजना है? देखिए रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, देखिए 91 की परिस्थितियां अलग थी और 21 की अलग, 30 साल अब शुरू के 10 साल जो थे उसकी परिस्थितियां अलग थी। वो मिशन मोड में काम हुआ और उसका परिणाम हुआ कि BEPC को ही सर्व शिक्षा अभियान के कार्य को भी करने के लिए इजाजत मिली। सर्व शिक्षा अभियान में बिल्डिंग से लेकर के जितना मॉड्यूल्स है, जितना चीजें एकेडमिक और पेडागोजी का सारा कुछ किया गया। उसके बाद समग्र शिक्षा की बात आई तो समग्र शिक्षा भी BEPC के जिम्मे ही रहा। तो कुल मिलाकर के आज के समय में जो रिलीवेंट चीजें हैं, जो कंसर्न चीजें हैं, जैसे अब मैं थोड़ी एक उदाहरण बताना चाहूंगा। 2005 में एक रामायण की किताब क्लास 6 में चला करती थी, तो रामायण की किताबें उस समय नैतिक शिक्षा के तौर पर ही चलाई गई थी, लेकिन वो फिर आउटडेटेड हो गई और फिर 2008 में जो BCF बना उसके बाद जो चीजें आई, तो पहले ग्रामर की किताबें हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की किताबें अलग हो गई, ग्रामर समाहित हो गया हमारे NCF 2005 और BCF 2008 में, ग्रामर को हम चैप्टर में ही समाहित कर दें, तो ग्रामर की अलग से हम किताब नहीं रखें और उस किताब को उसमें समाहित करके पढ़ा रहे हैं। तो
तो कुल मिला के कुछ चीजें ऐसा है जो अभी रिलेवेंट, जैसे अब शिक्षक साथी है, शिक्षक साथी में जो चीज आ गए हैं और उसके पहले किसी मॉड्यूल में वो चीज रहा होगा, जब हम शिक्षक साथी इस पर डाल दिए हैं तो उस चीजों को डालने की जरूरत नहीं होगी। तो सब कुछ जितना चीज है सब कुछ इस पर नहीं आएगा, लेकिन जो रिलीवेंट है जैसे एनसीएफ 2005 का है, उससे हम अभी ताल्लुकात नहीं खत्म किए हैं। एनसीएफ फिर बनेगा, फिर बीसीएफ बनेगा, बीसीएफ 2008 है वो डाले हुए हैं या डालेंगे। इसी तरह से कैचअप कोर्स अभी तुरंत का था, कैचअप कोर्स हम लोगों ने डाला है। और यह मान के चलिए जो रिलीवेंट चीजें होंगी वो हम लोग रिव्यू करके डाल पाएंगे, क्योंकि देखिए अचरा कचरा डालने से ज्यादा अच्छा है कि सॉलिड चीज डालिए डालिए जो कि उसका लाभ मिल सके। और बहुत सारी पुरानी चीजें हैं लाभदायक है वो हम डालेंगे, जो पुरानी चीजें लाभदायक नहीं है उसको छोड़ेंगे। जी सर। सर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कल मैंने एक न्यूज पढ़ा था सर इस ई लॉट्स के बारे में कि ई लॉट्स रोज की 1 GB डेटा खर्च करेगा बुक को डाउनलोड करने में या वीडियो देखने में, तो ये इस चीज में कितनी सच्चाई है सर कि हमारा क्या 1 GB डेटा खर्च हो जाएगा इस चीज को? देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, और रही बात की मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 1 GB डाटा का मतलब ये है कि मोबाइल को दिन भर ई लॉट्स पर लगे रहें और 1 GB डाटा हमारा उसमें खर्च होगा। तो आप 24 घंटे अगर किसी एक ही चीज पर लगे रहिएगा तो डाटा स्वाभाविक ही शॉर्टेज होंगे। लेकिन आप इसको देखिए कि क्या 24 घंटा या फिर 12 घंटा या 8 घंटा ई लॉट्स पर लोग रह सकते हैं? आप जब लगातार मोबाइल पर बात करते हैं और आधा घंटा लगभग हो जाता होगा या किसी को 45 मिनट 1 घंटा, तो बात करने की इच्छा नहीं होती, या तो कान में दर्द हो रहा होगा या अगर देख रहे हैं वीडियो टॉक कर रहे होंगे तो आंख में दर्द हो रहा होगा। तो ये चीजें ज्यादा देर तक के लिए तो है नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 1 GB डाटा लॉस्ट हो जा रहा है। मुझे तो तकनीकी बहुत इस तरह की चीजें का ज्ञान नहीं है, मुझे लगता है देखिए इन लॉट्स पर उपलब्ध चैप्टर को देखने के बाद इतना तय है कि जब कोई विद्यार्थी किसी एक सब्जेक्ट की किसी एक चैप्टर को एक्सेस करता है और उसे खोल कर डाउनलोड करता है, उसमें कम से कम 100 MB से 400 MB तक का डाटा खर्च होता है। अगर इस चैप्टर से संबंधित वीडियो देखना है तो उसके लिए और ज्यादा डाटा खर्च करना पड़ेगा, यानी एक दिन में ही कम से कम आधा GB और अधिकतम 1 GB से ज्यादा मोबाइल डाटा इन लॉट्स पर। तो डाउनलोड का ऑप्शन थोड़ा सा जो दिया गया, देखा क्या गया सही में डाटा ज्यादा ये हो रहा है, तो तत्काल अगर पढ़ने के लिए आप एक बार डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड होकर आपके मोबाइल में हो जाता है, फिर आप नेट स्टार्ट करते हैं दोबारा तो आपका डाटा जिस स्पीड से खर्च होता था वो स्पीड कम हो जाएगा। ये टेक्निकल टीम ने हमें बताया कि वो स्पीड कम हो जाता है और ऐसा होता है। रही बात की मैं ऑलवेज कहता हूँ कि 1.5 GB डाटा मेरे जैसा लोग दिन भर में कभी खर्च नहीं करता। मैं भी बहुत सारा चीज देखता हूँ, मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं रह पाता हूँ मोबाइल पर, लेकिन जो अगर 4 घंटा भी रहते होंगे तो मुझे लगता है कि 1 GB डाटा शायद नहीं खर्च होगा। हाँ, अन्य चीजों में भी खर्च करते होंगे और इसके साथ जोड़ते हैं। जो चैप्टर की बात करें, क्योंकि ये हमारा 3D बुक जो है इसको खोलने में आवाज जो आती है, तो स्वाभाविक है वीडियो और आवाज जब भी निकलेगा मोबाइल से उसमें डाटा ज्यादा लगेगा। तो कुछ नई चीजें हैं, अच्छा लगता है, अच्छा चीज के लिए तो कुछ खर्च करना ही पड़ता है। और ये मान के चलिए कि वो भी हमारी टेक्निकल टीम देखेगी, अगर उसमें उस तरह की बातें होंगी तो फ्लिप बुक जो है उसको सिंपल कर दिया जाएगा ताकि ये नहीं दिक्कत हो। लेकिन मुझे लगता है कि डाटा का कोई प्रॉब्लम अब लोगों के पास नहीं रह गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, शिक्षकों को दिक्कत ये हो रही होगी कि आप जो क्लास लेते हैं लाइव उसमें भी आपका डाटा जाता है, और ई लाइब्रेरी खोलते हैं उसमें भी डाटा जाता होगा, तो आप शिक्षकों को थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा डाटा का। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं बिल्कुल सर एक बात और बता दूं, मेरी सर मेरी आवाज जी सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज आ रही है सर अब? हेलो 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 सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है ना? ठीक है सर, आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी सर कि आप जैसे ही बोले ना कि ये GB डेटा का, तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी पॉजिटिव हो गई थी, और वो बहुत कंजूस है सर, वो जल्दी अपना डेटा रिचार्ज नहीं करवाती है, पर जब वो पॉजिटिव हो गई तो म्यूजिक सुनने के लिए या तरह तरह के पॉजिटिव वीडियो देखने के लिए उसने बहुत सारा अपना डेटा रिचार्ज किया उस पेंडेमिक से निकलने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है ना, लोग अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये डेटा तो थोड़ा सा है बट करना तो पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। मैडम अभी स्वास्थ्य स्वास्थ्य
एक ऐसा प्रायोरिटी में हो गया है कि अगर किसी डॉक्टर के यहाँ आप जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है तो रोग आ रहे हैं, और बेड मिलता है तो 25,000, 20,000, 35,000, 50,000 रुपये अगर कहता है, एक सेकेंड उनके परिजन नहीं लगाते हैं इसलिए कि हमें बेड मिल जाए और जान बचा ली जाए। जान बचाना कितना बिल्कुल आवश्यक हो गया। मैंने शुरू में ही कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा एकदम दोनों भाई है और बराबर का भाई है। आप स्वास्थ्य पर जितना खर्च करते हैं, खाने पीने पर जितना खर्च करते हैं, शिक्षा पर उसका आधा भी खर्च कीजिएगा तो ये बराबर की बात होगी। मैं देखता हूँ कि लोग शिक्षा पर कम खर्च करते हैं, स्वास्थ्य या फिर खाने पीने पर ज्यादा खर्च करते हैं। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य प्रायोरिटी में जरूर हो, लेकिन स्वास्थ्य तभी आप सही रख पाएंगे जब शिक्षित रहेंगे, और शिक्षित होने के लिए तो कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए डाटा और जी आटा बिल्कुल दोनों महत्वपूर्ण है हमारे लिए आज के समय। बिल्कुल सर, डाटा और आटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। रिजवान रिजवी सर का, ई लाइब्रेरी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और यह बीईपी के द्वारा लॉन्च भी कर दिया गया है, अभी इसकी पहुंच बहुत सीमित है। मेरा प्रश्न है कि इसके पहुंच सभी स्टेक होल्डर्स तक हो जाए, इसके लिए बीईपी ने क्या रोड मैप तैयार किया है? रिजवान रिजवी जी, एक्चुअल में जैसे आज टीचर्स ऑफ बिहार में मैंने इनसे रिक्वेस्ट नहीं किया था, बल्कि इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया कि सर ई लॉट्स को प्रचार प्रसार के लिए एक लेट स्टॉक लाया जाए। मैंने सहर स्वीकार किया और विद इन सेकेंड मैंने कहा यस आई विल रेडी टुमारो। कल ही की बात है, कल शाम में कन्फर्म हुआ और आज आपके बीच लाइव। मेरा मानना है कि ये टीचर्स ऑफ बिहार के शिक्षकों को या बिहार के किन्हीं शिक्षकों के मन में अगर ये बात आए, ये अधिक से अधिक प्रचार हो, तो ऐसा नहीं है कि खुशबू और शिव या मेरे मन में ही आई होगी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये बात आई होगी, लेकिन उचित तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता होगा तो कोई चर्चा नहीं कर पाते होंगे। और ये उम्मीद भी आप लोग नहीं किए होंगे कि आज इस लेट्स टॉक में ई लॉट्स के विषय में बताया जाएगा। तो आप लोग एक बहुत बड़े माध्यम है, क्योंकि आप लोगों का अध्यापकों के साथ लगाव है और मोबाइल नंबर भी आपको है, और हम लोग सोच रहे हैं कि इसका एक जिंगल भी बनाएं जो रेडियो मिर्ची पर या फिर टेलीविजन पर प्रचार के रूप में आए, और एक मैसेज भी बल्क में जो मेधा शॉट के डाटा है उसमें बल्क में बच्चों को मैसेज भी भेजा जाए, क्योंकि सभी काम अभी सब लोग घर से कर रहे हैं, एक जगह एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, और इसे करने में भी कई दिन सचिवालय जाना पड़ा, कई हमारे जो टीम के लोग हैं सभी एक जगह हुए हैं, और कई बार प्रूफ हुआ, ये हुआ वो हुआ, तब जाके वो हो पाया। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये तो शुरुआत है, आप देखते रहिए। मैं आप लोगों से भी सजेशन लेना चाहूंगा, फीडबैक लेना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि क्या रोड मैप तैयार किया है, ये एक तैयारी है, लेकिन तुरंत जो आपके ये कल रेडियो मिर्ची पर आ जाएगा इसका एडवर्टीजमेंट या ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बनाया भी था और उसको अप्रूवल में थोड़ी टाइम लग रही है, इसलिए कि चीज को हम बल्क में जब देंगे तो कहीं कहीं जो लोग जिनके थ्रू देंगे वो अगर नेगेटिव नहीं होंगे आज के समय में, कोरोना नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो दिक्कत होगी। अब उनको हम प्रेशर नहीं दे सकते हैं, आप इसको करवा ही दीजिए, तो थोड़ी कार्यालय वगैरह भी जो बंद है इस वजह से कठिनाई हो रही है। आपको मैं बताऊं कि ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए अखबार में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को जो भेजा था, ये हमारे ऑफिस से इसका पत्रांक दिनांक नहीं निकला, हमें कैंप डाल के भेजना पड़ा, क्योंकि चूंकि इसकी आवश्यकता थी कि अब देर करेंगे तो देर हो रही है, देर हो जाएगी, तो इस तत्परता से भी काम किए। तो रिजवान जी, मैं समझता हूँ कि बात सही है कि अधिक से अधिक लोगों तक जाए, लेकिन 12 तारीख को हुआ और आज कितना 16 तारीख है, 4 दिन में 10 लाख व्यू हो चुके हैं, इसका मतलब ऑन एन एवरेज 2 लाख 2.5 लाख लोग देख रहे हैं एक दिन में। तो ये कम प्रचार हुआ, जैसे आज बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो ये कहीं कहीं कई ग्रुप में जाएगा, फिर फेसबुक पर आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में घूमेंगे, ट्विटर पर भी घूमेगा, तो निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होगा और अधिक से अधिक लोग जान जाएंगे, और एक बार देखेंगे दोबारे कुछ में और कंटेंट बढ़ेंगे तो और भी लोग देखेंगे। मेरा मानना है कि रोड मैप उस तरह से अभी तुरंत नहीं कह सकते हैं कि बन गया है, लेकिन पाइपलाइन में है कि रोड मैप लगभग रेडी की पोजिशन में है और हम लोग कुछ इस पर करेंगे जिससे अधिक से अधिक सर। यहाँ पे मेरा अगला प्रश्न ये है कि सर अभी तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं, सभी लोग के लगभग लगभग जितनी भी डाउट्स है वो क्लियर हो जा रहे हैं, पर ई लॉट्स को लेकर के और भी अगर हम लोग कुछ जानना चाहें, डाउट्स क्लियर करना चाहें, तो ई लॉट्स पे ही कुछ ऐसा है जहाँ पे हम अपने प्रश्न रख सकते हैं और एक्सपर्ट हमारे हमारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं? मैडम ऐसा है, मैंने कि सुना है सर, हाँ एक टीम बनाया जा रहा है, मतलब डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जो टेक्निकल भी साउंड हो और एजुकेशनली और पेडागोजी के दृष्टिकोण से भी,
साउंड हो, जिनको एक अच्छी समझ हो, वैसे लोगों की टीम बनाई जा रही है। और वह आप जब प्रश्न डाला जाएगा वेबसाइट पर बच्चों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा, उसका जवाब निश्चित रूप से उनको मिलेगा। मैं इस पर हमारी टीम काम कर रही है, मैं समय नहीं बता सकता हूँ कि 2 दिन में ये तैयार हो जाएगा या 5 दिन लगेगा, क्योंकि एकदम सब कुछ महामारी ने प्रभावित कर दिया है। परसों ही एक जूम मीटिंग पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं ही थोड़ी देर के लिए जुड़ा, चूंकि मेरे रिलेटिव्स की भी कुछ समस्याएं थी, इस वजह से पूरा टाइम नहीं दे पाया, तो मैं उनसे भी बात करने ही वाला हूँ। मैं जो लोग हैं और शिक्षकों की सूची बन रही है एक्सपर्ट की, वो सूची जी सर ऐसी होगी जो विशेषज्ञ होंगे और वो जवाब देंगे, और वो ईलॉट्स पर हमेशा उपलब्ध भी रहेंगे, हमेशा मतलब 24 घंटे में तो जरूर जवाब दे पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सर हम लोग फीडबैक भी दे सकते हैं, फीडबैक में जो भी हम लोग के हैं वो अभी जैसे टेक्निकल टीम हमारी स्क्रीन पे दिखा रही है फीडबैक के बारे में, तो हम लोग के मन में जो भी है वो फीडबैक आप दे सकते हैं। और सर मैंने वेबसाइट खोला है, देखा भी, इसमें डिस्कशन फोरम भी है सर, कि हम लोग यहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे हम लोग यहाँ पे पुट इन कर देंगे, तो क्वेश्चन के आंसर जो है हमें एक्सपर्ट से मिल जाएंगे। ये सर शायद स्क्रीन पे हमारी टेक्निकल टीम दिखा रहे हैं वेबसाइट का जो डिस्कशन फोरम है, यहाँ पे सर डिस्कशन फोरम भी है और 15 चैप्टर से जुड़े 15 सवाल भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो बच्चे या शिक्षक अगर पाठ को पढ़ने के बाद जवाब देंगे तो वो कितना जवाब उनका सही है, मतलब कितना आंसर सही है, ये भी आपको दिखेगा। इस तरह की चीजों को भी इस पर डाला गया। देखिए ऐसा है कि मेरी टेक्निकल टीम लगातार इस पर काम कर रही है और अन्य जगहों से भी कुछ सीखने का भी उनको मौका मिल रहा है, और जो बढ़िया हो सकता है बेहतर से बेहतर चीज इस पर डालने के लिए वो प्रपोजल रखेंगे। और जो भी हमारे अप्रूवल टीम है, हमारे एसपीडी सर हैं या फिर हमारे ऑनरेबल प्रमुख सचिव हैं, उन लोगों के आइडिया को मतलब जब अप्रूव कर देंगे किसी आइडिया को, वो इस पर जरूर डाला जाएगा। यह है सर यहाँ पे वीडियो भी डाला गया, हाउ टू यूज, ये वीडियो टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा बनाया गया है, और नीचे में भी हमारा भी पीसी का जो वीडियो है वो दिया गया है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी दर्शक देख पा रहे होंगे, जिस दिन मैं 12 मई की बात कर रहा हूँ, जिस दिन मॉर्निंग में मैंने देखा कि लॉट्स का विज्ञापन आ गया है, तो मैं उसी क्षण सोचा कि आज पहले ईलॉट्स के विषय में मैं लिख करके पोस्ट कर दूं, अपना पोस्ट मैं डेली करता हूं। शायद बहुत सारे शिक्षक नहीं जानते होंगे कि मैं विगत 4 साल से शिक्षकों के नाम अपील और संदेश भी लिखा करता हूं, तो मैंने जब 12 मई को लिखने के लिए रेडी हुआ, लिखा और सब कुछ तैयार करके जो ही खोला मोबाइल और नेट ये किया तो देखा कि आपका कई व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आ रहा है ईलॉट्स के विषय में, तो मैं अपना वो वीडियो सॉरी अपना पोस्ट डालने से पहले मैंने देखा तो देखा कि बड़ा व्यवस्थित तरीके से आपने चीजों को समझ के उसको बना करके इस पर छोड़ा है प्रचार किया, मुझे भी अच्छा लगा। चलो सब लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार शिक्षक प्रयोजना परिषद की टीम ही अकेले काम कर रही है, बल्कि इस काम को अन्य शिक्षक के द्वारा भी किया जा रहा है, और बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक है और एक ऑनरेबल शिक्षक है, उनको मैं नमन करता हूँ, जो गाहे बगाहे डायरेक्ट सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। किसी एक को क्रेडिट देना बेवकूफी होगी, बल्कि हम होल सोल कहा जाए जितनी भी संख्या में हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, सारे लोगों को मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग इस महामारी में एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जो दिख भी रहा है। बिल्कुल सर, सारे लोग लगे हुए हैं इसमें, जितने भी शिक्षक हैं हमारे सारे लोग लगे हुए हैं कि हमें इसको आगे बढ़ाना है, बच्चों तक ले जाना है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। सर अब टाइम तो अब नहीं है, बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, तो मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, ये आखिरी प्रश्न है कि भविष्य में ई लॉट्स को लेकर के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और शिक्षा विभाग की ओर से क्या क्या योजनाएं हैं ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। सर देखिए कहते हैं जब जागा तभी सवेरा, देर से अगर आप जगेंगे तो सवेरा आपके लिए देर से ही मानी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 30 साल पूरा कर लिया है, ना सिर्फ ई लॉट्स बल्कि इस तरह की बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं और बेहतरी किए हैं, और आज हमारा चाहे वो साक्षरता का दर हो या फिर बिहार के लोगों की समझ हो या फिर बिहार के लोग जो कर सकते हैं कि प्रतिभा पलायन की बात, हमारे प्रतिभावान लोग पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सब भी हमारे लिए कहीं कहीं लाभदायक हैं कि अगर पलायन हो के कहीं गए
कहीं कहीं बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा विभाग का नाम रोशन कर रहे हैं, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, चाहे वो निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, सब सम्मिलित रूप से किसी न किसी रूप से बिहार के एजुकेशन को अपग्रेड करने की कोशिश किया है। और यह 21वीं सदी का 21वां वर्ष है, और इस वर्ष मुझे लगता है कि एक तरह से शुरुआत इस तरह की हुई है कि हर लोग अब क्वांटिटी में विश्वास कम कर रहे हैं, क्वालिटी में विश्वास अधिक कर रहे हैं। तो क्वांटिटी के विषय में अपेक्षा अगर रख रहे हैं लोग, और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। बल्कि जो भी इस पर हो, चाहे लॉट्स पर हो या जो भी चीज आप हम करें, वह क्वालिटी वाली तो देखे तो लोग कहे नहीं बहुत अच्छा, वेल डन, गुड, मतलब इस तरह से प्रशंसा। ये नहीं कि बहुत सारी चीजें हैं और रद्दी रद्दी चीजें जमा कर, आप देखते हो कि रोज झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी घर से निकलती है, और अगर आप कहीं पर लाइब्रेरी में भी देखते होंगे तो कुछ ऐसी भी आउटडेटेड किताबें होंगी जिसको बाहर किया जाता है और कुछ नई किताबों को इन किया जाता है। तो ये चीजें हो कि अपडेट, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि जो भी बुक्स है, तो बुक्स तो हम वैसे ही PDF इस पर डाले हैं, उसमें भी अपडेशन की आवश्यकता है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार शिक्षा योजना परिषद की टीम आने वाले दिनों में इतना जरूर करे कि SCRT से मिलकर के कुछ चीजें जो एडिशनल अपडेट होने की चीजें हो, क्योंकि SCRT में भी लोगों की संख्या कम हो गई है, इन द सेंस कि नया बहाली नहीं हुआ है, तो वहाँ भी लोग बहुत सारे नहीं हैं जो कि जल्दी जल्दी कोई काम कर पाए। तो हम डिपेंड किस पर करते हैं, हम बिहार के सरकारी विद्यालयों में अध्यापक जो हैं उन पर डिपेंड करते हैं। तो मेरा अनुरोध SCRT से भी करना होगा मुझे कि वो भी कम से कम जो चीज अपडेशन वाली चीजें हो उसको अपडेशन करके एक्स्ट्रा उस पर डालें, जो हाँ इस चैप्टर में ये चीज पुरानी है और इस चीज को इस तरह से अपडेट है, क्योंकि किताब को तुरंत चेंज करके प्रिंट कराना मुश्किल है, क्योंकि NEP में हम नई किताब फिर ला नहीं जा रहे, तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपडेशन वाली चीजें हो वो तो हो ही। और मैंने अभी कहा भी कुछ टीम ऐसे भी डेवलप करने का विचार किया जा रहा है कि वो YouTube पर जाकर के अच्छे मटेरियल्स को हमारे पाठ्य पुस्तक से टैगिंग करने का प्रयास करे, टैगिंग करने से पहले उस वीडियो को देख ले और उसमें सारी चीजें ठीक हो तो वो टैग करके हमारे रिव्यू कमेटी को दे और वो रिव्यू कमेटी उसको रिव्यू करके उसको अटैच करे। तो चीजें अभी बहुत सारी हैं, बहुत कुछ मैं अभी सोच नहीं पाया हूँ, तो बहुत बता भी नहीं पाऊंगा कि हाँ ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन योजना है इसको जितना समृद्ध कर सकें। और ये चूंकि नेट पर उपलब्ध होगा तो किसी न किसी रूप से दूसरे लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे बीकानेर में एक शारू रहते हैं, उनके लड़के 11th class में है, मैं परसों दसों से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि एक ई लॉट्स है ऐप, जहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ बच्चे को फायदा जरूर होगा। तो जैसे मैं अगर किसी को कह रहा हूँ तो आप भी किसी को कह रहे हैं, हम अगर इसका लाभ हो रहा होगा और लोग भी किसी को कह रहे हैं, तो प्रचार प्रसार होगा और बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बाकी अन्य लोग भी इसके लाभ ले सकेंगे, क्योंकि हम कहीं कहीं अच्छी चीजों को इसमें अटैच कर रहे हैं, सिर्फ बिहार की ही चीजें नहीं है, अन्य चीज भी इसमें अटैच होंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, फिर अभी आज 16 मई है, अगले 16 मई 2022 में अगर लेट्स टॉक अगर कराएं तो उस समय तक में जो परिवर्तन होगा देख लेंगे, एक साल के बाद देखिए, तुरंत 6 दिन 10 दिन में परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन साल भर में मैं साल भर का समय इसलिए लेना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है उनको भी मेहनत करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, चीजों को लिंक करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, एक दिन का काम नहीं है। ये सोचिए हम 22 मार्च को इसको इनॉग्रेट करने वाले थे पेंडेमिक से पहले, जब हमारा बिहार दिवस मनाया जाता तभी ये लॉन्च होता, लेकिन हम लॉन्च 12 मई को कर पाए। सोचिए कहीं कहीं कुछ न कुछ कमियां रहते रहे, और फिर भी अभी भी उर्दू की किताबें और 11th 12th की आर्ट्स की किताबें नहीं है, इस पर कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूँ इसको, लेकिन ये देखिए खूबियों को देखिए, कमियों को नजरअंदाज कीजिए और कमियों खूबियों में बदलिए। पहले नेगेटिव होता है तब पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव में एक लाइन होती है, पॉजिटिव में 2 लाइन होती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और हम लोग अभी कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव करने में लगे हैं और नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव बात सोचने के लिए करते हैं। इस दृष्टिकोण से, इस विजन से आप देखेंगे तो बहुत फायदा होगा, और मुझे लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर कुछ नहीं था, अगर हम समथिंग ही लाए हैं तो उसको स्वीकार कीजिए अभी, किंतु परंतु करने से ज्यादा अच्छा है कि उसको स्वीकार कीजिए और सजेशन जरूर दीजिए। देखिए है क्या, आप समस्या रख दीजिएगा, निदान आप ही बता सकते हैं, क्योंकि समस्या जो लोग बताते हैं आधा निदान पता होता है, और पूरा निदान आप अगर जान जाते हैं तो हमें बता दीजिए, जिस समस्या का निदान, सिर्फ समस्या रख देने से नहीं होता किसी के लिए भी। इसलिए आपका सहयोग, आपकी टीम के सहयोग और पूरे बिहार के शिक्षकों का सहयोग, हमारे
इस बिहार से परियोजना परिषद को मिलनी चाहिए। और मैं इतना एश्योर जरूर करता हूँ कि हमारे संजय सर जो एसपीडी हैं उनका नेतृत्व बहुत जबरदस्त है, वो बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं और बहुत 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 अच्छे ऑफिसर हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं हमारे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के लिए। हमारे जो ACS मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो भी संजय कुमार सर हैं, उनका भी सानिध्य प्राप्त होते रहता है हमारे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। माननीय मंत्री जी का भी, शिक्षा विभाग के हैं विजय कुमार चौधरी जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री तो पूरे सूबे के लिए चिंतित रहते हैं, बहुत सारे शिक्षा विभाग बदलाव किए हैं, उनका भी सानिध्य पूर्ण रूप में प्राप्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी टीम काम कर रही है, अच्छा ही होगा, आने वाले दिन अच्छे होंगे। बिल्कुल सर, तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं, आप लोग के प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम लोग प्रश्न नहीं ले पाएंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो ये हमारा ई लॉट्स का वेबसाइट है इस पे आप जा करके डिस्कशन फोरम पे आप लॉगिन करें और वहां पर आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और वहां पे जो एक्सपर्ट होंगे वो आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। तो सर जाते जाते हमारे टीचर्स ऑफ बिहार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीचर्स ऑफ बिहार के लिए मेरा यह कहना होगा कि जो भी चीजें आप प्रचार प्रसार के तौर पर करते हैं वो करें ही, लेकिन शिक्षकों से मेरा कहना, जो आपके शिक्षक हैं जो रोज कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और सारी चीजें करते हैं, मेरा मानना है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही जुड़ाव नहीं रखिए। कुछ चीज जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, जैसे योग का भी कार्यक्रम चला रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड क्लास भी चला रहे हैं, या इन तक की तरह की चीज़ों को करते हैं, लेकिन मॉरल वैल्यू जो है आज के समय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। जो ह्यूमनिटीज ग्रुप का चीज़ है उस पर हमें फोकस करना होगा। अगर हम किसी ह्यूमनिटीज ग्रुप के विषय को बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर फोकस करना होगा। मॉरल वैल्यू, बड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बच्चों का सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा, और आप रोज देखते हैं, हमें लगता है कि कहीं कहीं तालीम की बुनियाद जो हमारी है, जो शिक्षा हम व्यवस्था कर पाए हैं बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए, उसमें कहीं कहीं कमजोर करी ऐसे रह गए हैं, ऐसे हैं जिसके परिणाम हमें बुरे मिलते हैं। कई बार कुछ चीज़ अखबार में पढ़ने को मिलता है, घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग बस यूं ही पढ़ के छोड़ देते हैं, उस पर गहन चिंतन मनन नहीं करते हैं और उसको हम एग्जाम्पल के रूप में नहीं लेते हैं और रिलीफ उसको कह सकते हैं कि रिलेट करके किसी पाठ्यक्रम को नहीं बताते। जब हम उन चीज़ों को रिलेट करके किसी बच्चे को बता रहे होंगे, बच्चे के माइंड सेट में बदलाव आएगा, वो अपने परिवार के प्रति, अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, इन चीज़ों के प्रति एक आस्था पैदा करेगा, श्रद्धा पैदा करेगा और आने वाले दिनों में कितना भी वह कठिनाई में हो उसे लगेगा कि इसी माँ ने मुझे 9 महीना गर्भ में रख करके पैदा किया, इसी पिता ने हमें पाल के बड़ा किया है और इसी ने हमें बोलना सिखाया, इसी ने हमारे सेवा शुश्रूषा की और आज 18 साल के बाद हम आज इस माता पिता के संतान हैं और इनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो। तो कुछ नैतिक मूल्यों पर क्लासेस लेने की बात भी करिए, या फिर पाठ को प्रसंगवश इसको नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक है, जैसे जहाँ भी गुंजाइश आवे, जैसे आपके जो भी ग्रुप के टीचर्स लाइव क्लास लेते हैं वो कहीं कहीं शुरू में या अंत में कुछ ऐसी बातें जरूर बताइए जो बच्चों को लगे कि ना ये अच्छी बात है। जैसे आज के बच्चे सुबह जग करके दूसरा दूसरा काम करने लगते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि बेड को हमको ठीक कर लेना चाहिए, मच्छरदानी को मोड़ लेना चाहिए या फिर कुछ हाथ बटा देना चाहिए, मम्मी पापा तो काम करते ही हैं, हमें कुछ कर लेना चाहिए। इन चीज़ों का जो कमियाँ हैं, यही आगे चल के क्या होता है, परिणाम हमें नकारात्मक देता है और वह किसी न किसी दुर्घटनाओं में तब्दील हो जाता है। तो हमें लगता है कि सिर्फ पाठ्यक्रम या विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान तक ही नहीं, विज्ञान के जो लाभ हैं और उसके दुर्घटनाओं के जो हानि है उन चीज़ों को भी बताने की आवश्यकता होती है। और किस तरह से हमारे घर में भी विज्ञान, मैं कल छोटी सी बात कर रहा हूँ, कल मैं ऐसे ही अपने बच्चे बेटे को पढ़ा रहा था तो रिएक्शन की बात, केमिकल रिएक्शन, सेवंथ में केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा था और उसी क्रम में सेब और बैंगन का एग्जाम्पल किताब में दिया होता, सेब के कटने के कुछ देर के बाद उसका कलर चेंज होता है और वैगन के कटने के बाद उसका कलर चेंज होता है। ये सब चीज घर में ही है, इसके लिए किसी लैब की जरूरत नहीं होती है। कलर चेंज हो जा रहा है और क्या हो रहा है, ये सब चीज उदाहरण के रूप में, ये सबको जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे उसके साथ रिलेट करके रख लीजिए, क्या उदाहरण हम दें जो बच्चों को घर में ही उपलब्ध हो और उसके लिए लैब की जरूरत नहीं हो और बच्चे आसानी से समझ सकते। तो चूंकि हमारा देश जो है सो
साक्षरता में भी कमजोर है और अमीरी में भी, मतलब गरीबी ज्यादा है और ज्योग्राफिकल इस तरह का है, तो हम अगर अपने आसपास की चीजों से सीखना सिखाना नहीं पसंद करेंगे तो हमें मुश्किल होगा। हमें समृद्ध लाइब्रेरी और समृद्ध लैब मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास जो संसाधन है उसी में आउटकम्स हमें ज्यादा मिले, इस तरह का चीज करने की आवश्यकता है। जब भी आप अपने ग्रुप में जब मीटिंग करते हैं, वैसे लोगों का जो शिक्षक के ग्रुप में जो आपको लाइव क्लास लेते हैं, उनसे जरूर कहा कीजिए शुरू से अंत तक में जरूर नैतिक शिक्षा पर बात तो जरूर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मॉरल एजुकेशन हमारा सर। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन सजेशन सर, मैं जरूर अपनी टीम को ये बात बोलूंगी। खैर वो लोग देख ही रहे हैं तो इस पे जरूर वो लोग वर्क करेंगे। वैसे मैं देखती हूँ सर SOM के जो क्लासेस होते हैं तो उसमें कुछ शिक्षक आते हैं, जैसे एक शिक्षिका है रोमा जी, तो वो जैसे ही आती है तो वो कुछ कुछ सुनाती है पहले बच्चों को, फिर बच्चों से इंटरेक्ट करती है। तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं, लेकिन मैं सारे शिक्षकों से निवेदन करूंगी कि आप लोग भी सर के जो बताए हुए रास्ते हैं वो उस पे जरूर चले। तो सर, टीचर्स ऑफ बिहार को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन होगा कि ये कोरोना पीरियड है, इसमें जितना अपने को सुरक्षित रखें। अभी भी मैं एकाध लोग को मुझे कहना पड़ता है कि आप शादी में श्राद्ध में भाग नहीं लेंगे ऐसे कहना पड़ता है, और मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, दूसरे को भी ऐसा करते रहेंगे। बचाव ही इलाज है जब तक कि आप वैक्सीनेशन नहीं लिए। लोगों को प्रेरित करें वैक्सीन लेने के लिए और खुद भी लें वैक्सीन, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं लेते हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक कभी भी संक्रमित कोई भी हो सकता है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी को मास्क लगाना है। और रोकिए टोकिए, निश्चित रूप से मास्क ना लगावे तो रोकिए टोकिए, उनको समझाइए कम से कम मास्क जरूर लगावे, ड्रॉपलेट्स का जो आना जाना है रुकेगा तो मास्क रुकेगा, और ये चेन तोड़ना जरूरी है। कोरोना हारेगा, देश बचेगा और बिहार बचेगा और हम सब बचेंगे। उम्मीद बहुत है आप सबों से, और जिन लोगों के फैमिली में लॉस हुआ है उनके लिए मुझे दुख है, और जिनके फैमिली अभी भी पॉजिटिव है या खुद पॉजिटिव है उनके लिए भी मैं गेट वेल सून की बात करता हूँ। जल्दी से अपने को रिकवर करें, बहुत सारे रिकवर कर रहे हैं, और जो अभी तक प्रभावित नहीं हुए उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मास्क लगावें। अभी मैं अकेला हूँ इसलिए मास्क नहीं, मैं घर में भी मास्क लगाता हूँ और अपने घर में लोगों से भी कहता हूँ मास्क लगाने के लिए। मास्क लगाएं, जितना बच के रहिएगा, जिंदगी बचाना जरूरी है, और हमारे लिए आपके लिए पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, जिंदगी बची रहेगी तो पढ़ तो आप कभी भी रहिएगा। मैंने भी शुरुआत में पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ा, और जो अभी नहीं पढ़ेंगे साल दो साल अगर ये नहीं भी पढ़ पाते हैं, बहुत चिंता की बात नहीं है, बल्कि जान बच जाए ये जरूरी है। जान बच जाएगा तो जितना अभी पढ़ना है दुगुना एनर्जी से पढ़ लिया जाएगा। आपको मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, मैं ग्रेजुएशन साइंस से किया और उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे गुजरात पश्चिम में नहीं पता था और मुगल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच का अंतर नहीं पता था, लेकिन अभी आपके बीच एज ए ऑफिसर काम कर रहा हूँ तो मैं दोनों सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखा था, तो बाद में भी पढ़ के मैंने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करके ऑफिसर बना। तो आज मुझे गुजरात क्या बहुत कुछ पता है ज्योग्राफी में, और मुगल साम्राज्य क्या, मौर्य साम्राज्य क्या, बहुत सारा साम्राज्य पता है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत समय पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत बौदर नहीं लेना है और ये चिंता नहीं करना है कि इस पेंडेमिक में कम पढ़े हैं तो फिर अगले कक्षा में हमें दिक्कत होगी। पिछले कक्षा का अगले कक्षा का सब जोड़ करके आप पढ़ लेंगे और लगभग सब ठीक ही रहेगा। मैं विदा लेने से पहले फिर से कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य प्रायोरिटी में रखिए, शिक्षा सेकेंड में रखिए, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, शिक्षित आप हो जाएंगे और अन्य को भी शिक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, पूरी टीम ऑफ आपकी टीम जो टीचर्स ऑफ बिहार की है उनको, और एक बार फिर से नमस्ते और विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों, तो हमारे ये थे संजय सर। अब मैं आप लोग को, मैं भी विदा लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचर्स ऑफ बिहार पे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, SOM स्कूल ऑन मोबाइल। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी कि कृपया आप स्कूल ऑन मोबाइल के जो वेबसाइट है या फिर हमारे जो पोस्टर्स हैं उसे स्क्रीन पे शेयर करें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उसे देख पाए, उसका टाइम टेबल देख पाए कि कब क्लासेस चल रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल ऑन मोबाइल पर क्लासेस चल रहे हैं हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए। तो बिल्कुल जुड़िए टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल ऑन मोबाइल फेसबुक ग्रुप से,
और आप इसको देख सकते हैं som.teachersofbihar.org पर भी। तो ये तो स्कूल और मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस की बात हो गई, और इसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हो रही है लॉकडाउन में लर्निंग। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मौका मिलेगी, जैसे स्पोकन इंग्लिश भी है इसमें, वैदिक गणित भी है, आईसीटी भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई दर्शक पूछ रहे थे कि शिक्षक कैसे आईसीटी में अच्छा कर सकेंगे, मजबूत हो सकेंगे आईसीटी में। तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है लॉकडाउन में लर्निंग। इसमें आईसीटी भी है, योगा भी है, सब कुछ है, एक कंप्लीट पैकेज है। और इसका टाइमिंग भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जा सकते हैं, देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस पूरे अपने बच्चे को, इस ये पूरा कंप्लीट पैकेज भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बने रहे टीचर्स ऑफ बिहार के साथ, फिर टीचर्स ऑफ बिहार आपके सामने हाजिर होगा एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे भी विदा दीजिए, नमस्कार।